ऐसे नहीं कर रहा यार इस तरह से, मेरी उसकी बात तो है नहीं, मैं तो अपनी देसी स्टाइल में करता हूँ इस बोर्ड पे ही। ठीक है, बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं। ओके भाई, स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। लेट्स स्टार्ट, आ जाइए जल्दी से आ जाइए। रियली सॉरी, आपका बहुत समय ख़राब कर दिया, उसका रीज़न मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी करी हैं, बहुत अच्छी करी हैं। ठीक है, इस चीज़ के पीछे कितना कुछ मेहनत है, बिहाइंड द सीन वाला कंसर्ट भी आपको अभी थोड़ी देर में हम लोग दिखाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आप आ जाइए। और अभी लगभग 900 बच्चे इस चीज़ को लाइक कर चुके हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप मेरे पे मान के चल रहे हो। और ये जिम्मेदारी आज निभानी है, आज ये जिम्मेदारी निभाने का समय आ गया है। और आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे पास में मंडे स्टार्ट हो चुका है, और हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि हमारे पास में जो आगे की ओर जो हमारे पास में संडे की ओर एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें हम NCERT की तरफ से जो खौफ है, NCERT का जो हमारे अंदर डर है, उसे हम आज ख़त्म करेंगे। हम इनऑर्गेनिक का डर ख़त्म करेंगे। मैं सेशन के रिस्पेक्टिव ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि लाइक करिए डिसलाइक करिए, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा समझिए। मैंने बहुत मेहनत की है, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, जो थोड़ी देर में हम इसको दिखाएंगे कि आपके NCERT के एक एक जिसे बोलते हैं ना बाल की खाल, खाल की बाल। और आपको हम यहाँ पर ये बताएंगे कि आखिरकार इससे रिलेटेड क्वेश्चन कब आया था, कैसा आया था। तो आपको ये लगने लगेगा कि यार हमारे पास में जो NCERT है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फिजिकल में गड़बड़ होती है कैलकुलेशंस की, उसमें जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो वहाँ पर जो हमारे पास में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, हमारे पास में जैसे इनऑर्गेनिक की आज बात हो जाएगी, फिर उसके बाद में ऑर्गेनिक की बात होगी। तो हमें क्या करना है, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है कि हम किस चीज़ को करके जाएँ, किस चीज़ को छोड़ करके जाएँ। छोड़ना कुछ नहीं है NCERT के अंदर, तो करना क्या है, सारी NCERT नहीं करनी है, वो सारे एस्पेक्ट्स जहाँ पर हम NCERT को अच्छे से कर सकते हैं, जहाँ जहाँ से हम NCERT को करना, वो सब मैं आपको अब बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया, मेरे उसमें बफर हो रहा है, रुक गया। नहीं, मुझे लग रहा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें कंप्लीट करने, जो हमें एस ब्लॉक के हो गया। आप इधर से आ जाओ। बफरिंग हो रही, बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग एस ब्लॉक के वो करते हैं, मुझे दे दीजिए बुक्स वगैरह। जल्दी दे दीजिए, जल्दी, बच्चों का समय नहीं करना, फटाफट ख़त्म कराना है, इसको कंप्लीट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे आपके, हम बताएंगे कि NCERT से रिलेटेड जैसे ये एस ब्लॉक में हमारे पास में जो चीज़ें दी गई हैं वो NCERT से बहुत कम आती हैं, मतलब उसको बिल्कुल अलग ढंग से हम लोग लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी आपको चीज़ें क्या क्या मिलेंगी, बेटा मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा आपको क्या क्या मिलेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको चार चीज़ें मिलेंगी आपकी वीडियो के बाद में। पहली चीज, आपको NCERT जो हम मार्क कर रहे हैं ना, आपको मार्किंग कर रहे हैं, उसको आपको देखना है बस। ठीक है, सेकंड आपको क्या है कि आपको इसके ऊपर बेस प्रॉब्लम्स मिलेंगी, आपको इसके ऊपर बेस प्रॉब्लम्स मिलेंगी कि जो NCERT के ऊपर बेस प्रॉब्लम आई हैं और जो आ सकती हैं, दोनों ही तरह की हम बातों को यहाँ पर लेकर के चलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास में जो तीसरी चीज़ आपको मिलेगी इसके अंदर, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है
कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की एक शीट मैं आपको दे रहा हूँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की शीट, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की एक मैं शीट आपको दे रहा हूँ। चौथी चीज़ हमारे पास में, क्योंकि दो क्वेश्चन हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ज़रूर आया करते हैं, तो एनसीईआरटी मार्किंग हो गई आपके ऊपर, उसके ऊपर बेस प्रॉब्लम हुई। चौथी चीज़ है कंपेरिजन। कंपेरिजन मतलब, कंपेरिजन का मतलब होता है कि मैं आपको ये कंपेयर करके बताऊंगा कि ये सवाल जब आया था और ये सवाल यहाँ से आया था, इस तरह से, ठीक है। तीसरी चौथी पांचवी, अब लास्ट बात हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर आप लोग जरा सा ध्यान दीजिएगा, जो मैं इस समय पर आपको बताना चाह रहा हूँ वो हमारे पास में पांचवी जो सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपके इस सारे कंक्लूजन में जो एनसीईआरटी के ऊपर हम लोग बेस क्वेश्चंस को हम इस समय पर कराएंगे, बताएंगे, सारी चीज़ होगी, ठीक है, उनमें जो कुछ फेमस स्ट्रक्चर्स होंगे वो भी मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा। तो ये सारी चीज़ आपको करनी है। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी हैं, प्रीवियस जेई और नीट के, ये भी आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है और इन चीज़ों को आपको लेकर के चलना, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपका ट्वेल्थ के पी ब्लॉक से। मैं एनसीईआरटी का आपको दिखाऊंगा कि ट्वेल्थ का पी ब्लॉक में कहां से क्या आया था, किस किस तरह से आया था, तो ये तो एक ग्लिम्स था अभी आपके पास में, और उसके रूप में हम लोग आपसे बात करेंगे ट्वेल्थ का पी ब्लॉक, ये हमारे पास में एनसीईआरटी। अब इसका क्वेश्चन किस तरह से हमारे पास में आया था, तो हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैंने आपके इसमें बात करी है। मैंने ये जैसे आपका एनसीईआरटी है, ये आपकी एनसीईआरटी इस समय पे दिखाई दे रही है, ठीक है, इसे बड़ा कर दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा मैंने इसमें क्या करा है, मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा अभी, आपको बताऊंगा क्या चीज़ है। जैसे ये आपका क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं, जैसे हम कन्फ्यूज़ करते हैं कि आखिरकार हमारे पास में नोबल गैसेस से क्या आएगा, ठीक है, तो ये आपका नोबल गैसेस का, उनके इंपॉर्टेंस, ये सारी बातें जैसे जो यहाँ लिखी है, उन सब चीज़ों का डेली यूज़ वगैरह का कॉन्सेप्ट आएगा। अब जैसे ही हमारे पास में एनसीईआरटी का पूरा पेपर है, जो एनसीईआरटी का पूरा ये पेपर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरा दिखाइए एक मिनट के लिए, वो हाथ से निकाले हैं, वो पॉइंट्स आपके हाथ से निकाले हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से वाले हैं। पी के मनप्रीत पे थे, जैसे बेटा ये है, ये चीज है, ठीक है। आप दो मिनट के लिए पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम बहुत तेजी से चलने लगेंगे, हम उसके बाद दो मिनट बाद बहुत तेजी से चीजों के चलने लगेंगे। तो हमारे पास में क्या है, ये इस समय पे जो आपके नोट्स हैं, चलिए, तो जैसे हमारे पास में पहला पेज है, पेज नंबर 7.1.1 है, 7.1.2 है ये हमारे पास में, ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मतलब हमारे पास में जो पहला पेज है 7 पॉइंट आपका हमारे पास में क्या 171 और 171, मतलब हमारे पास में दो पेज हैं। अब इसका, इसको पहले एक बार मेरे से जब आप समझ लेंगे तो आपका फ्लो बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। मतलब ये है कि हमारे पास में 170 पेज और 171 पेज में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पर समझाई हुई है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। जैसे हमारे पास में जो क्वेश्चन बन सकता है, जरा ध्यान देते रहेंगे, अब हमारे पास में सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है, नाउ आई एम ऑन फास्ट मोड एंड मतलब फटाफट चीजों को खत्म करेंगे, ये आपके लिए कंक्लूजन दिया है, ये एनसीईआरटी के अंदर से हमने रिजल्ट निकाला, फिर हम आपको बताएंगे इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आप तक आए हैं और कैसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं। अब जरा समझिए, ये कोई छोटी मेहनत नहीं है, बस दो तीन मिनट पहले मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे पूरी एनसीईआरटी, तो इसके अंदर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसे पढ़ा समझा, फिर देखा कि जेई में कितने प्रॉब्लम्स आई, फिर देखा नीट में कितनी प्रॉब्लम्स आई, 20 साल में कितनी प्रॉब्लम है, अब कितनी आ सकती हैं। तो फटाफट मैं आप चीजें आपको बतानी स्टार्ट करता हूं, अब मैं नॉन स्टॉप हो जाऊंगा, अब मैं फास्ट ट्रैक पे हो जाऊंगा, ठीक है। इसी के साथ साथ नीचे की ओर आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे, उनको आपको पढ़ते रहना, मैं आपका एक नजरिया बदलने की कोशिश कर रहा हूं कि सब कुछ 90% पेपर जो है आपका वो एनसीईआरटी से आया हुआ है। इस बार जो जेई के अंदर जो पेपर्स थे आपके इनऑर्गेनिक, एज इट इज जो लैंग्वेज उठी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे पहले पेज पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने हाथ से लिखे हुए कंक्लूजन है, फिर मैं आपको किस पे ले जाऊंगा, मैं सीधे आपको किस पे ले जाऊंगा, प्योर एनसीईआरटी पे ले जाऊंगा।
तो हमारे पास में क्या, एयर में नाइट्रोजन 78% होती है बाय वॉल्यूम। आपको लगेगा ये तो हमें पता है, मैं छोटी छोटी सी बातें आपको बता रहा हूं और बहुत तेज से अगले 10 मिनट में मैं पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा बहुत सारी चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद में ये कहां से आया पॉइंट, आखिरकार चिली साल्टपीटर और इंडियन साल्टपीटर की बात क्यों चलती है, ठीक है। ये इसलिए चलती है क्योंकि यहीं पर एनसीईआरटी पे पेज नंबर 170 पेज पे लिखा हुआ है, ये यहां से क्वेश्चन आया। इसलिए जब भी आपका आएगा नाइट्रोजन से रिलेटेड कोई बात का आएगा, उसके मिनरल से रिलेटेड बात का आएगा, तो वो क्या आएगा, या तो चिली साल्टपीटर पूछेगा या इंडियन साल्टपीटर, और किसी का नाम नहीं पूछेगा। ध्यान रखना, वो कभी ये नहीं पूछेगा AgNO3 से रिलेटेड सवाल नहीं पूछेगा, वो आपका इससे रिलेटेड, या तो चिली साल्टपीटर का नाम आएगा या फिर आपका इंडियन साल्टपीटर का नाम आएगा। याद रखना, ये बहुत बड़ा कंक्लूजन निकाला हुआ है, ठीक है। अब उसका इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन इन प्लांट्स एंड एनिमल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपसे पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आया था, इस बार ओजोन से रिलेटेड आया था, अभी बताऊंगा। ओजोन से जेई के अंदर क्वेश्चन आया था कि ओजोन क्या करती है, तो सब कुछ बातें पता थी लेकिन कुछ बातें नहीं पता थी बच्चों को, जैसे एनओ को NO2 में कन्वर्ट कर देती है हायर लेवल पे, ऐसा कुछ चीजें हो जाती हैं। तो यहां पर जो छोटे छोटे से पॉइंट है वो मैंने आपके लिए, ठीक है। अब जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस एज ए मिनरल एप्टाइड फैमिली, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे लिए ये दो इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये दो इंपॉर्टेंट है, क्या है, Ca9PO4O6 और CX2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फॉस्फोरेटीन आर इन मिल्क एंड एग्स। ये आप कहेंगे सर ये तो हमें पता है, नहीं, अभी मैं आपके पास आने वाला हूं कि किस तरह क्वेश्चन आएंगे। जब भी आपका ASSB या BI का सवाल आएगा तो ध्यान रखना BI के ऑक्साइड से रिलेटेड बात नहीं आएगी, BI के ऑक्साइड से रिलेटेड बात नहीं आएगी, आएगी तो किससे आएगी, सल्फाइड से आएगी। तो भैया सल्फाइड क्या है, या तो सल्फाइड का कलर आएगा या फिर वो सल्फाइड का फॉर्मूला पूछेगा, दैट्स इट। सेकंड पेज लाइए आप जरा, सेकंड पेज। मैं उसके बाद प्योर एनसीईआरटी पे आने वाला हूं, मैं उसके बाद आपका प्योर एनसीईआरटी पे आने वाला हूं। जाइए नेक्स्ट, रुकिए। अब जैसे ये हमारे पास में, इनसे कहा गया MC के बारे में पूछा गया, अब इसका क्या आएगा बेटा, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके चांसेस है, यही आएगा, आएगा तो 115 का, रट लो N5 10, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि 116 का इससे नेक्स्ट वाला है, 117 का नेक्स्ट वाला है, ठीक है, 118 का लास्ट वाला, दैट्स इट। तो हमारे पास में क्या हो गया, ये हमारे पास में डायरेक्ट आपका फॉर्मुलेटेड हो गया 7P2, हमारे पास में 7P2 करके हो गया, ये सब कुछ बट फटाफट हमारे दिमाग में फिट करके चलना। नेक्स्ट, ये हमारे पास जैसे 172 पेज में, आखिरकार एनसीईआरटी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास में इंपॉर्टेंट है ASSB आर मेटलॉइड एंड BI इज मेटल, ठीक है, चलिए आप जानते, कोई बात नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर में ये चीज बड़ी गड़बड़ हो रही है, हर चैप्टर में जहां भी टेबल में ये वाली बात दी है तो उसको ध्यान रखना है, वो मैं अभी आपको मार्क करा रहा हूं एनसीईआरटी के अंदर। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास इंक्रीज और उसके बाद डिक्रीज, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका किसके साथ है, ये कई बार क्वेश्चन आया। अभी मैं क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, मैं थोड़ी देर में आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल्सो एलोट्रॉप्स, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब फॉस्फोरस की बात आती है तो फॉस्फोरस में व्हाइट रेड एंड ब्लैक। सर ये आप क्या बढ़ा रहे हो, तो हमें आता है बेटा, आपको आता है, लेकिन मैं आपके अंदर विश्वास पैदा कर रहा हूं, मतलब जो आपको आता है उसमें मैं आपको साथ एक चीज और डालने जा रहा हूं कि एनसीईआरटी के अंदर भी जो आपको आता है उसका 90% है, जो 10-20% नहीं आता उसे हम लोग अभी सीख लेंगे, अभी थोड़ी देर में खत्म कर देंगे, आग लगा देंगे इस चीज में। ये सारे नोट्स मैं आपको इसी वीडियो में लिंक में दूंगा, साथ में हमारे टेलीग्राम लिंक पे दूंगा, ठीक है। इसलिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, लाइक करें शेयर करें। बुक में नहीं मिल रहा बेटा, आप लोग है ना, अब मैं क्यों कह रहा हूं, इतनी देर में एनसीईआरटी की बुक निकाल के रख लीजिए, फटाफट सब बच्चे एनसीईआरटी की बुक निकाल के रख लेंगे, ट्वेल्थ वाली पी ब्लॉक बुक निकाल के फटाफट रखेंगे सारे बच्चे, मैं उस पर मार्किंग कराऊंगा अभी आपको, ये कंक्लूजन निकाला हुआ है, ट्वेल्थ वाले बच्चे, ठीक है, अपनी बुक निकाल लेंगे। आपको क्या क्या चीज मिलेंगे, आपको दो तीन चीजें आपको मिलने वाली हैं, एक तो इस तरह के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे इसी लिंक में, संभाल कर रखना, बांटना नहीं है, एक बार पढ़ते जाएंगे सब समझ में आता जाएगा। दूसरा एनसीईआरटी को मैं मार्क कराऊंगा भी आपको, फिर तीसरा कहां कहां से कब कब कौन सा क्वेश्चन आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट 15 ईयर में किस पेज से कौन सा क्वेश्चन आया, मतलब हर क्वेश्चन किसी ना किसी पेज से आया, चाहे वो जेई में आए हो चाहे नीट में आए हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत मेहनत करी है, बहुत ज्यादा मेहनत करी है हमारी पूरी की पूरी टीम ने, इसलिए एनसीईआरटी जल्दी से 12th की एनसीईआरटी निकाल लीजिए, अगले 2 मिनट में उस पर मार्किंग स्टार्ट कर देता हूं और 10-15 मिनट में खत्म, मतलब 7:45 बजे तक
हम खत्म कर लेंगे पी ब्लॉक पूरा का पूरा ट्वेल्थ का. दिस इज माय ट्रुथ. रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा हर चीज. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक. अब इस पे तीन पे ही बातें होनी है. क्या होना है? दिस इज फॉर व्हाइट. ये व्हाइट के लिए होता है बेटा. ठीक है, ये व्हाइट के लिए. पी फोर इज फॉर व्हाइट. और यहाँ का जो पी है, ये जो पी है हमारे पास में कैसा होता है? SP3. यहां जो एंगल होता है कितना होता है? 60. होगी बात खत्म, हो गई बात खत्म. कोई आपको मात नहीं दे सकता. याद हो गया, P3 SP3 है, 60 एंगल है P4 वाला. और सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल कौन सा होता है? ब्लैक. आज तक जब भी सवाल, मैं खुद आश्चर्य में पढ़ गया, मैं भी इधर उधर की बहुत किताबें पढ़ता था, पढ़ाता था, लेकिन आज तक जितने भी सवाल आए वो सब यहीं से आ रहे हैं. मैंने सोचा, अरे यार ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है. चलिए नेक्स्ट वाले पेज पे हम आते रहते हैं. देखिए एक और इंपॉर्टेंट सवाल जो आपका अभी 2 साल पहले आया था. BIF5 इज ओनली BIF+5. मतलब BI जो है प्लस फाइव स्टेज में नहीं रहता, केवल एक स्ट्रक्चर में इसके अंदर रहा करता है. दैट्स इट. +3 इज बेटर देन +5 डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर परफेक्ट. ये सब लोग जानते हैं. NCERT निकाल लीजिए फटाफट, क्योंकि NCERT की मार्किंग शुरू करवाने वाला हूं. NCERT निकाल लीजिए बेटा, फिर मत कहिएगा NCERT 12th वाली. आपको यहीं पर सारी चीजें आज ही सब खत्म करा दी जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी NCERT है, बहुत भरी हुई NCERT है. उसमें क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, क्या मार्क करना, बस उतनी ही काम करेंगे. क्या मार्किंग है वो इंपॉर्टेंट बात है. और ये सारे नोट्स आपको फ्री में ऐसे कैसे यहां से मिल जाएंगे, एक तो टेलीग्राम ग्रुप से और यहीं पर नीचे लिंक दिया हो. कम ऑन, नेक्स्ट दिखाइएगा. देखिए अब पेज 172 और 173. अब कौन सा क्वेश्चन आपका आएगा? जैसे ये HNO2 है, HNO2 आपका HNO3 और NO में कन्वर्ट होता है. ये याद हो गया सर? कैसे याद हो गया यार? हमें बस HNO2 का एक ही रिएक्शन याद रखनी है पूरे चैप्टर में. HNO2 इसके अलावा कुछ मत याद रखिए, केवल एक याद रखना है, HNO3 और NO में कन्वर्ट हो गया. क्या हुई? डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन. +3 है, +5 है और +2 है. क्या हो रहा है? डिक्रीज. क्या हो रहा है? इंक्रीज. दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन. फिर उसके बाद है कि P5 मल्टीपल बॉन्ड्स किसमें मिलते हैं? नाइट्रोजन में. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, सिंगल बॉन्ड के रूप में PP की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है NN से. ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ध्यान रखिए. फिर से मैं बोल रहा हूं, ये भी NCERT के पेज पे दिया हुआ है. फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको नहीं बताएगा कोई भी. मेरे पास में अगर NN सिंगल बॉन्ड है और PP मेरे पास में सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी इस वाले से ज्यादा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये इस ग्रुप में बहुत ज्यादा होता है. हम नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे. सेम प्रोसेस हमारे पास में क्या होता है? FF. यहां FF है और यहां कौन है बेटा? CLCL है. इस चीज को वहां समझाएंगे. तो इसकी एनर्जी ज्यादा है क्योंकि यहां रिपल्शन होता है, इसीलिए Cl2 बेटर होता है Br2 से, फिर बेटर F2, फिर I2. दैट्स इट. ये याद हो गया आपको, कुछ नहीं भूले, यहीं पे याद हो गया. फैसला यहीं पे, ऑन द स्पॉट गेम हो रहा है, ऑन द स्पॉट. सर ये वाला हम क्यों करके जाएं? हम तो कोई और कर, नहीं आज कोई और नहीं करना बेटा, कोई और. मैंने खूब कराया आपको, मैंने खूब पढ़ाई इनऑर्गेनिक इन वन शॉट, 100 मार्क्स. मैकेनिक समझा इनऑर्गेनिक की, सोल्ट पढ़ाए, ऑक्सीडेशन नंबर का यूज पढ़ाया, अनऑर्गेनिक बम पढ़ाया, सब पढ़ाया आपको. लेकिन आज हम एनसीआरटी पढ़ेंगे. बहुत मेहनत करके एनसीआरटी का कॉन्सेप्ट है. ये वाला क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ पीपी इज बेटर देन दिस वन. और ये कॉन्सेप्ट हमारा ये लगता है लास्ट ईयर ये सवाल आया हुआ है आपका, लास्ट ईयर सवाल आया हुआ है. दैट्स इट. फोड़ मचानी है. अभी मैं बताऊंगा कहां कहां से कौन कौन से, यूं करके सर्किल लगाए जाऊंगा मैं, यूं करके पी ब्लॉक के, आपके नाइट्रोजन फैमिली के. अभी थोड़ी देर में अभी मैं खोलूंगा, सारी चीज बताया जाऊंगा आपको. पी एंड एस कैन फॉर्म डीपाई. ये आ सकता है, ये एक साल बस जेई में आया, ये जेई एडवांस का सवाल है, ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है. ये आ सकता है, ये ऑर्गेनिक में दिखाई देता है. और फिर वही बात है, मेल्टिंग पॉइंट और फोकस. मैंने साफ लिखा है फोकस ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट टेंडेंसी. ये फोकस रहनी चाहिए आपकी, ये कभी नहीं बदलनी है. अगले 15-20 मिनट मेरे साथ बैठे रहो, आपकी एनसीईआरटी आपके हाथ में करवा दूंगा, बिल्कुल ऐसे करके. कहीं से कहीं तक नहीं डरोगे, डोमेन यही रहना है. ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा. अभी एनटीए के कितने ही क्वेश्चन, जितने इनऑर्गेनिक के एनटीए के क्वेश्चन आए वो पी ब्लॉक में एनसीईआरटी से कहां कहां से है, एक एक मैंने लिख रखा, एक एक मार्क कर रखा. अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं थोड़ी देर में. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में, नेक्स्ट 174 पेज और 175 में क्या है भाई? देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात. एक्सेप्ट BIF3 ऑल आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट. मतलब BIF3 क्या है? नीचे की ओर मेटलिक करेक्टर बढ़ता है और ये +3 है. ध्यान रखना बेटा यहां क्या समझाऊंगा. मेरे पास एक मेटल है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक मेटल है लोअर ऑक्सीडेशन में. तो जो लोअर वाले होते हैं बेटा याद रखना, ऊपर से नीचे की ओर लोअर को हम प्रेफरेंस देते हैं, लोअर को हम पसंद करते हैं. साथ में लोअर वाले हमेशा कंपाउंड कैसे होंगे? आयनिक होंगे.
नेक्स्ट जब हम बात करा करते हैं जैसे PBCL4 और PBCL2, ये खूब पढ़ाया हुआ, ये आपका कब आया था? 2017 में आया हुआ है। क्यों? PB+4 PB+2 जब हम नीचे की ओर चलते हैं तो नीचे कौन होता है? पीवी होता है। तो पीवी कौन सी स्टेज रखना चाहता है? मैंने भी खूब पढ़ा है, +2। तो +2 रखना चाहता है तो तुरंत इधर की ओर कन्वर्ट होगा। जब इधर की ओर कन्वर्ट होगा तो खुद क्या हो रहा है? ये रिड्यूस, तो सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो सामने वाले को ये क्या कर देता है बेटा? ऑक्सीडाइज कर देता है। ये ऑक्सीडाइज कर देता है तो PB+4 PB+2 में कन्वर्ट होना चाहता है, PB+2 में कन्वर्ट होना चाहता है। इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। और ये कोवलेंट है, ये आयनिक है, तो दोनों बातें क्लियर हो गई, हमेशा के लिए क्लियर हो गई। और ये बात यहां भी समझा दी। अब क्या है इसके ऊपर चांसेस? फिर से सवाल के हैं। NF3 इज द स्टेबल इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में जो इतने NCl3 NF3 जब की बात करते हैं तो सब एक्सप्लोजिव होते हैं, केवल NF3 ऐसा होता है जो एक्सप्लोजिव नहीं होता और स्टेबल होता है। आएगा, NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं। कितने पेज पढ़ा दिए मैंने? ये पढ़ा दिया आपको 70 71 72 73 74 75 तक मैं आपको ले आया हूं। इस बीच में आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, खत्म करते जाएंगे। अब मैं स्पीडली काम कर रहा हूं, बस आप ध्यान देते चले जाना बेटा। N2+O2=2NO। अब ये क्या है? ये सर आप क्या सिखा रहे हो? आ जाओ ऊपर की ओर देखिए। आज तक जितने सवाल मैंने देखे, मैं आराम से बैठ गया, मैं बैठ करके ये देखने लगा कि नाइट्रोजन कहां कहां से मिलती है। मैंने पढ़ाया, मैंने जब नाइट्रोजन के बारे में आपको पढ़ाया कि नाइट्रोजन प्योर यहां से भी मिलती है यहां से मिलती, तो पिछली बार जब मैंने आपको पढ़ाया था इनऑर्गेनिक में तो मैंने 7 जगह से बताया था प्योर नाइट्रोजन मिलती है, जब मैंने इनऑर्गेनिक ब्लास्ट करके एक क्लास ली थी। लेकिन मैंने ये देखा, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन आया एग्जाम में आपके नीट में, जब भी आपके क्वेश्चन आया नीट में कभी भी, तो वो क्वेश्चन नाइट्रोजन प्योर कहां से मिलती है, बस इन्हीं से रिलेटेड है, इन्हीं से रिलेटेड है। ये 2019 आपका आया हुआ, ये 2017 और 18 और ये वाला आपका। तो नाइट्रोजन प्योर के बारे में अगर बात पूछेगा तो या तो इससे पूछेगा या इससे पूछेगा या इससे पूछेगा या इससे पूछेगा, इसके अलावा किसी और से प्योर नाइट्रोजन नहीं पूछेगा। इसलिए हमेशा के लिए दिमाग से ये वाला डर निकाल दीजिए कि प्योर नाइट्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है तो वो ये है। लेकिन अगर कोई और आया तो क्या होगा? कोई और नहीं होगा, कोई और प्योर नाइट्रोजन नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बहुत मेहनत की हमने, अभी बिहाइंड द सीन आपको बताएंगे हम लोगों ने क्या क्या करा, कैसे कैसे करा, ठीक है। नेक्स्ट, छोटी मेहनत नहीं है ये, ऐसे नहीं चल रहा कि 4 पेज मैंने लिखे और यहां छोटा सा कार्टून बना दिया, नाजिया हाउस द जोश। मैं हाउस द जोश भी नहीं पूछ रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, जोश तो हाई रखना है, बहुत अच्छा काम करना है आगे की ओर। फिर उसके बाद में बेटा ये रहा आपका, ये अमोनिया बनाने की मेथड, या तो अमोनिया बनाने की ये वाली मेथड आएगी, 3 ही मेथड आएंगी, या तो अमोनिया बनेगा इससे यूरिया से पानी डाल के। अब यूरिया से पानी डाल करके कैसे बनेगा, क्या बनेगा, उस सबको भूल जाओ। अमोनिया या तो यूरिया से, मतलब यूरिया में डाला पानी अमोनिया की गैस निकल रही, कट्टा रखा हुआ है, मतलब यूरिया का एक पैकेट रखा हुआ उसमें हमने डाल दिया अमोनिया में पानी, खत्म। उसके बाद NH4Cl, ये खूब पढ़ाया, ये इसके पास जाएगा, क्या बनेगा? NH4OH। और NH4OH क्या होता है? अनस्टेबल। कई बार मैंने बताया, कई बार पढ़ाया, मैंने भी पढ़ाया, अमोनिया के सॉल्ट जब भी बेस से रिएक्ट करते हैं हमेशा अमोनिया रिलीज करते हैं। अमोनिया के सॉल्ट जब भी बेस से रिएक्ट करेंगे अमोनिया एक्सचेंज कर लेगा, NH4OH बनेगा, अमोनिया और वाटर निकल जाएगा, दैट्स इट, खत्म खत्म। नेक्स्ट, अब ये सारी चीजें क्या है, ये मैंने आपको 175 पेज तक के कॉन्सेप्ट में ये समझाने की कोशिश करी है कि देखिए कैसे कैसे करके हम एक एक पेज को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या करूंगा, सीधा आपके NCERT पे ले जा रहा हूं, मैं सीधा आपके NCERT पे ले जा रहा हूं। आप अपनी NCERT ओपन करेंगे बेटा, मैंने कहां से समझाया, देखिए मैंने कहां से चीजों को पढ़ा, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपके अंदर से NCERT का डर निकल दे रहा हूं। अरे मैं आपसे कह रहा हूं ना, केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक यू खत्म यार, यू खत्म, वो सोचिए। अब आपको ये हो रहा है, इसमें क्या करें, प्रीवियस ईयर करें, ये करें वो करें, करते रहो, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर करने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के जाओगे तो मैक्सिमम चीजें यहीं से लिखी हुई आएंगी, यहीं से बनी है, 100% यहीं से बनी है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का जो आगे की ओर क्वेश्चन आने हैं मैक्सिमम कहां से आने, पुरानी इनऑर्गेनिक जो मैंने उससे पढ़ी है, जहां से पढ़ी है, जिससे पढ़ी वो जरूर पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसको छोड़िए मत, लास्ट मोमेंट में उसको पकड़िए जहां से प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, हमेशा उसका हाथ पकड़ना चाहिए। मेरा हाथ की बात नहीं, NCERT का इस पोर्शन का हाथ, ठीक है साहब।
कॉन्सेप्ट सेशन बढ़िया लग रहा हो तो लाइक इट। देखो ये रहा मोलिकुलर नाइट्रोजन कंपाउंड 78% बेटा, देखो यहां से क्वेश्चन बनता है। ये मैंने चीजें आपकी निकाली लिख करके, ये रहा इतना ना पढ़ना पड़े मेरे बालकों को, मेरे बच्चों को इतना ना पढ़ने लगे, इसके लिए मैंने ऐसे ऐसे करके ये निकाला, ये यहां से निकाला, ये वाला इतने की जरूरत नहीं पड़ी, ये खत्म। मेरे बच्चों को कुछ ना पढ़ना पड़े, बस इतना मैंने निकाल के रख दिया सारा। अब मैं फटाफट करके मार्किंग कराता हूं। सब लोगों ने एनसीईआरटी निकाल ली, आपके पास एनसीईआरटी है? बोलिए एनसीईआरटी की है? 2500 बच्चे इस समय पे देख रहे हैं और लाइक इस समय 2200 हैं भाई। क्या क्या देने वाला हूं मैं फिर बताता हूं आपको। नोट्स मिलेंगे लिंक से, टेलीग्राम लिंक हमारे पास में, आपके पास में टेलीग्राम लिंक से आपको नोट्स मिलेंगे। बेटा क्या क्या दे रहा हूं मैं आपको, नोट्स दे रहा हूं, हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूं, खुद मेहनत करे हुए, अब के भी हैं, पुराने भी हैं। उसके अलावा मैं आपको क्या दे रहा हूं, प्रीवियस ईयर जेईई के नीट के दे रहा हूं, जिससे आप पढ़ लो। उसके अलावा मैं आपको क्या दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं इंपॉर्टेंट वाले, आपको सारे करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस वगैरह वो भी दे रहा हूं। एनसीईआरटी निकाल ली सब पे, एनसीईआरटी हाँ, तो बस वो भी बच्चों को देने, सब देने, कोई दिक्कत नहीं। किताब उताब वगैरह जितनी मेरी है ना सब दे डालो, मेरे बाल को पास सब जाना चाहिए, देखा जाएगा। नहीं बिकेंगी किताबें अगले साल को बेच लेंगे। यस सो रेडी, चलिए फटाफट इसको एनसीईआरटी को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आगे क्यों करिए बेटा, देखिए ये अजीब सा लगता है इसलिए ना। अब देखो आप आइए, मैं आपको दिखाता हूं, चलिए बस फटाफट आपको मार्क करने मेन पॉइंट। चलिए आपको उन पे ध्यान देना बेटा, बस रोकिए, मेरी लैंग्वेज ऐसी रहेगी, बस मैं क्या कर सकता हूं। देखिए ये रहा आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज यहां पर दिखाता हूं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए मेल्टिंग पॉइंट, ये आपका हुआ इंक्रीज, यहां मार्क करना आपको, और इसके बाद ये हुआ डिक्रीज, दैट्स इट। मेल्टिंग पॉइंट आपका गड़बड़ करता है, हर जगह मेल्टिंग पॉइंट गड़बड़ करेगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका इन दो जगह पर गड़बड़ कर रहा है, ये मार्क होना चाहिए। बस हो गई मार्किंग, ये आपकी मार्किंग होगी बेटा, बढ़े आगे, बहुत जल्दी बढ़ना है। चलिए बस ठीक है। इसके अंदर हमारे पास में और कुछ नहीं है, याद रखना, इससे आगे हमारे पास में किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। देखिए देखिए, मैंने आपको कहां से बताया था, नेक्स्ट चलिए। देखिए कितनी सारी कहानी आपकी बचा दी, रुकिए नीचे ले आइए थोड़ा सा नीचे, एक मिनट नीचे। देखिए बस अब थोड़ा जल्दी चलेंगे एनसीईआरटी। मैंने आपकी ये वाली कहानी बताई थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आपसे क्या कर रहा है यहां पे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। आपका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, इसलिए आपको कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, इस पे मार्क करना है। ये आपका, आपको आप सोचेंगे विजिबिलिटी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, ये सब हो जाएगा आपको, आपको यहां पे मार्किंग करनी है। इसके नेक्स्ट पे आ जाएंगे, आपको कोई मुश्किल नहीं दिख, आप चलिए प्लीज बस यहां पर देखिए, ये रहा पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, बस इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, उसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में क्या कंसिडरिंग इट बॉन्ड एंथैल्पी, ये रहा इतना इज वेरी हाई ऑन द कन्वे आपका फॉस्फोरस आर्सेनिक, ये रहा एज P1 PC वाइल बिस्मिथ फॉर्म द मेल्टिंग पॉइंट, यहां पर हमारे पास में। अब आगे की ओर देखिए, मैं वो वाला पॉइंट आपका आता हूं, हम लोगों ने आज तक यही पढ़ा है। बस देखिए उसने क्या कहा, वाइल NN सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन PP सिंगल, दैट्स ग्रेट। आज तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 इज ग्रेटर देन P4, नो डाउट। लेकिन सिंगल बॉन्ड अगर उठा लेंगे तो इसका कमजोर होता है और इसका ज्यादा स्ट्रांग होता है, खत्म करते हैं इस बात को। और ये रहा डी पाई बॉन्ड, किसमें बना करता है, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक फॉर्म, दैट्स इट। सर उसके अलावा यहां कुछ करना है? नहीं साहब कुछ नहीं करना, डी पाई पी पाई ये नहीं बना सकता, इस शब्द को पढ़ने की जरूरत नहीं, खत्म हो गई बात, खत्म। इससे नेक्स्ट नीचे बस। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, ये रहा हमारे पास में, ये आया हुआ सवाल है,
बेसिसिटी हमारे पास में ये रहा ऑर्डर, ये रहा हमारे पास में बेसिसिटी का ऑर्डर। अब आपको इस टेबल में से क्या ढूंढना है, आइए मैं इस टेबल में आपको हेल्प करता हूं। इस टेबल में आपको केवल और केवल ये ढूंढना है, उसके अलावा किसी चीज पे जाने की जरूरत नहीं। और सारी टेंडेंसी सही है, जैसे डिस्टेंस नीचे की ओर बढ़ती है, ठीक है, एंगल हमारे पास में कम होता है, एंगल हमें पता है, हम में से सब बच्चे जानते हैं। गड़बड़ कहां होती है, बॉइलिंग पॉइंट किसका, NH3 का ज्यादा है, लेकिन किन किन से, इनसे देखिए, तो ज्यादा सबसे किसका है, BiS3 का ज्यादा है SbS3 से, फिर NH3, फिर ये दो आपके आते हैं। रिमेंबर सबसे कम कौन होता है, PS3। आज ही अभी हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं है, आज और अभी याद होता चला जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बात क्लियर है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नीचे की ओर हमेशा घटती है, ये हम बहुत पहले से जानते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ जरूरत नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट की बारे में बात करने की, सब चीज की, इसी चीज की किसी को जरूरत नहीं। आप क्वेश्चन कहां बनेगा एनसीईआरटी का, फिर से अब आएगा ये वाला, ये आएगा कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, आर्सेनिक। अब देखिए सोडियम आर्सेनाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन बनाता है, मतलब हमसे ये पूछता है कि एंटीमोनाइड कौन बनाता है, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, जेई एडवांस में देखा हुआ क्वेश्चन है, जेई एडवांस में देखा हुआ क्वेश्चन है कि एंटीमोनाइड कौन बनाता है, विच फॉर्म एंटीमोनाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अकेला जिंक ऐसा है जो एंटीमोनाइड बनाता है, और मैग्नीशियम बिस्मिथ। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन आ गया तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, या कर पाऊंगा, किसी ने पढ़ाया नहीं, चूंकि ये क्वेश्चन आपका यहां छिपा हुआ है तो ये इसलिए आ सकता है, यहां ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, ये आपको यहां पर मैंने मार्किंग करा दी इतने में। नेक्स्ट रोक दीजिए। अब ये हमारे पास में वो चीज जो मैंने आपको कराई थी प्रिपरेशन, क्या है, नाइट्रोजन के रेस्पेक्टिव। अभी देखिए प्योर नाइट्रोजन का ये रहा, प्योर नाइट्रोजन का ये रहा, आपकी एनसीईआरटी में मार्किंग करा रहा हूं, ये रहा प्योर नाइट्रोजन का एक और, ये प्योर नाइट्रोजन, ठीक है, कौन से वाले पेज पे हमारे पास में चल रहा है, 7.2, जहां पर डाई नाइट्रोजन हुआ करता है, ठीक है, जहां पर डाई नाइट्रोजन होता है, ध्यान रखना ये मार्किंग होती है, ये नहीं कि बस चार पेज पे मैंने टाइम काट देना, नहीं साहब, पूरा का पूरा मार्किंग जो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, चलिए बस यहां रोकिए, देखिए साहब हमारे पास में ये, जब भी हमारे पास नाइट्राइड कोई भी वाटर से रिएक्ट करेगा तो LiOH प्लस NH3 अमोनिया निकला करता, बेटा ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। कल मैं आपकी ऑर्गेनिक तो बायोमोलिक्यूल पॉलीमर केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल पॉलीमर केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, ये मैं आपकी कराऊंगा, ठीक है, साथ में ऑर्गेनिक भी, पूरी ऑर्गेनिक कोशिश करूंगा एक ही राउंड में आपको करा दूं, लेकिन बायोमोलिक्यूल पॉलीमर केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में मैं आपको बताऊंगा कि वहीं से कहां से एज इट इज क्वेश्चन आता। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, इसके बाद आए हुए क्वेश्चन, यस 10 ईयर के, अभी पहले इसे करा दूं फिर मैं कहूं देखो बेटा ये आया था, देखो बेटा ये आया था, देखो बेटा ये आया था, देखो तुम कहोगे अरे यार ये तो यहीं से आया था, अभी थोड़ी देर में कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो हाउ इज द जोश, पहले बताइए कैसा जोश है बेटा, कैसा जोश है हमारे बच्चों का, हाउ इज द जोश। अभी 2500 बच्चे लगभग देख रहे हैं, 2400, और अभी तक लाइक 2700 हुए, भाई बहुत मेहनत करी, अभी बिहाइंड द सीन आपको आएगा। लेकिन नेक्स्ट, अब रुकिए, आपके लिए ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, अमोनिया की फॉर्मेशन की हैवर प्रोसेस, क्या क्या है, ली चेटलर के अकॉर्डिंग हुआ करता है, तो इधर कितना 1 और 3, 4 है, उधर 2 है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड, और रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, क्यों, क्योंकि आपकी एसोसिएशन है, एसोसिएशन में एनर्जी रिलीज होती है, तो टेम्परेचर लो प्रेशर हाई, ये आया करता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। अब N2 प्लस O2 को हीट करने पे NO मिलता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, फिर इसका यूज फटाफट एक ही सेकंड में इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाया करता है, वहां पर इसका बहुत यूज करते हैं, और कोई कहानी है ही नहीं, खत्म करते जा रहे हैं फटाफट, जो आज तक आपने कैसे पढ़ी एनसीईआरटी मुझे नहीं पता। देख लीजिए ये आ गया, ये वाला क्वेश्चन ये आ गया, NaN3 NaN2 निकाला करता है, ये सोडियम एजाइड वाला क्वेश्चन आ गया। अब इससे बहुत बढ़िया वाले कॉन्सेप्ट आगे की ओर बढ़ने शुरू करते हैं हम, ये रे आपको जो थोड़ी देर पहले बताए थे, कमॉन, अब आगे बढ़ते हैं अपने बच्चों को, बस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसमें कहां से क्या बन सकता है, ये रही अमोनिया बनाने की मेथड। अब अमोनिया की लैब मेथड में सर मुझे पता है हैवर प्रोसेस है,
मुझे पता है कि मुझे टेम्परेचर क्या रखना है, इसमें कम रखना है, मुझे पता है प्रेशर हाई रखना है, अब मैं क्या इसमें से इंपॉर्टेंट और ढूंढ के जाऊं, क्या छोड़ के जाऊं। अब इतनी बड़ी बात लिखी हुई है, अब ये चैम्बर उम्बर भी बने तो चैम्बरों को उठा के ले चलू भाई, चैम्बरों को उठा के ले चलू, पता नहीं कहां से सवाल आ जाए। नहीं, आपको क्या और ध्यान रखना है, क्या छोड़ के जाना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको ये याद रखना, ध्यान देना, देखो सारे उसमें ऑप्टिमम कंडीशन, प्रेशर वूसर, प्रेशर याद नहीं करने, टेम्परेचर याद नहीं करने, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं। आपको याद क्या करना है, कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, आयरन, ठीक है, ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2N2, खत्म खत्म। उसके अलावा ऐसे माचिस लो, आग लगा दो उसमें, देसी बात कर रहा हूं, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना। कैटलिस्ट और याद करने हैं, Fe लिखा होता है, मोलिब्डेनम प्रोमोटर, हमारा क्या लिखा होता है, Fe कैटलिस्ट, MO प्रोमोटर। लेकिन ये दो अगर आ गए, ये अगर दो आ गए तो क्लेम नहीं कर सकते, और इनसे बाहर अगर आ गए तो क्लेम कर देना कि भैया एनसीईआरटी से बाहर आया है, हम नहीं दे सकते। ये ध्यान रखना, कैटलिस्ट प्रोमोटर, दैट्स इट, खत्म। मोलिब्डेनम ये रहा, देखो ये रहा कैटलिस्ट प्रोमोटर, या फिर ये दो आने के चांसेस है, आज तक नहीं भाई। पेपर कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है, जब बनाने वाला देखता है ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये नहीं दिया, अरे बाप रे बना देते हैं। कितने साल के पेपर देखता है, 30 साल पुराने नहीं, 15 से 20 साल, बस 15 साल तक के देखता है, उसके अलावा नहीं देखता। और आजकल तो हो सकता है 2-3 साल के ही देखते हो, तो इसलिए 10 साल के पेपर छोड़ के नहीं जाने इनऑर्गेनिक के, 10-15 साल के रट्टा मार लेना है, ठीक है। आगे चलो, कुछ नहीं पढ़ना इसे, ये सब बकवास, सब बकवास, सब बकवास, कुछ नहीं पढ़ना इसमें से, ठीक है। बस आप नीचे ले आइए, ऊपर 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 ऊपर, फटाफट खत्म करेंगे बेटा, फ्लो में आ रहे हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज, हमारे पास में प्रॉपर्टीज की बात कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं, यहां का ध्यान रखना है, एंगल ध्यान रखना बेटा, 107.8। अब एंगल की मेथड तो कई सारी हैं कि लोन पेयर बढ़ता है तो एंगल छोटा हो जाता है, वो मेथड तो पढ़ा रखी है आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग पीरियड टेबल में। लेकिन अगर एग्जैक्ट एंगल पूछ लिया तो क्या केस करोगे एनटीए पे, हमने तो दिया है जी तुम्हें, ये रहा 101 आपका लेंथ, ठीक है। जिंक सल्फेट की इससे रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा और ये बन गया, ये तो आपका एन एक्सचेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो कुछ नहीं पढ़ना इसमें, आग लगाओ सब में, आग लगाओ, बाकिन बस यहां पढ़ लेना भाई, यहां पढ़ लेना, क्या पढ़ लेना है, FeCl3 जब NH4OH से होता है, तो बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट बनता है, दिमाग ये कह रहा था कि ये इसके साथ चला जाएगा, क्या बनेगा, FeOH3, जब तक ये कर रहे हैं सब, देखो ये इसके साथ चला गया, ये बना रहा है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर बना ब्राउन पीपीटी, रस्ट बनता है, FeCl3NH4OH की प्रेजेंस में रस्ट बनाता है। इंपॉर्टेंट हो गया पॉइंट, भूलोगे नहीं, मुझे पता है आज याद है, आगे भूलोगे नहीं, कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसे करके एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कथा में तुम लोग सोच रहे थे मैं ऐसे पंडित जी बन गाऊंगा, ओ नमस्कार, मैं आपको पढ़ाता हूं और मैं आपको बताता हूं, भैया टाइम वेस्ट नहीं करना, देसी आदमी है, ठीक है। देसी का मतलब मैं बेटा, देसी का मतलब मैं ये नहीं कहता कि मैं तुमसे किसी से हट करके हूं, देसी का मतलब ये कहता जैसे हैं वैसे सही, कपड़े भी चेंज नहीं कर पाया था, ये तो दिन का कुर्ता बैठा हुआ काम कर रहा था, ऐसे ही उठा फटाफट, और अभी भी लिख रहा था, अभी देखने जब तुम्हारे पास नोट्स आएंगे, लगातार लिखा 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 लिखो, क्योंकि मुझे पता पेपर कहां से आएगा। मुझे तो चाहिए आप में से कितने बच्चे ये मान के चलते हैं कि 180 का फोड़ेंगे, 180 में 180 कितने बच्चों का लग रहा है कि फोड़ेंगे, बताइए कितने बच्चे 180 में 180 फोड़ेंगे इस बार, 180 में 180 फोड़ने वाले इस बार, बताओ भाई। 2500 बच्चे इस समय देख रहे हो यार, किसी में हिम्मत नहीं यू कह सके कि मैं 180 में 180 ले आऊंगा, कितने बच्चे फोड़ेंगे 180 में 180, थोड़ी सी हिम्मत तो लाओ यार, फिर तुम्हारे लिए अरे घंटे मिनट कुछ नहीं बचे हैं, पेपर की प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, खूब पढ़ा दिया मैंने आपको, एनसीईआरटी से बाहर मैंने खूब पढ़ाया आपको, चेन्नई खूब कराया मैंने आपको यार, क्योंकि ये भी तो लाने हैं, अरे भाई ये भी तो लाने हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैं दे रहा हूं आपको क्या, दैट्स इट 700+, अरे ये भी तो आना है आपका, फॉर्म भरा जाना, अभी एक फॉर्म भरा जाना है कि जो यूट्यूब के बच्चे मेरे पढ़ते हैं ड्यू तो यू, ये भी है, ये गया नहीं है, ध्यान रखना कितने, अरे बाप रे बाप, सब है 180 वाले, यस यस 100%। अबे अब तक हमने पढ़ा, अब तक आपने कहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, कैसे पढ़ा पता नहीं, लेकिन मैंने इस बार जो आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया हर चीज विजुलाइज कराई, हर चीज मेहनत कराई, सेशन एंटी मेंटी के नहीं करे, सेशन टाइम काटने के लिए नहीं करे,
सेशन यहाँ पर एनिमेशन के नहीं करे, अभी तो आपके पेरेंटों से बात करनी है। ये जो अगला सेशन है पेरेंट्स से बात करने वाला, आपके आपके पेरेंट्स से बात करने वाला जो अगला सेशन है जो कल मैं करूंगा, उनको बैठा लो अपने साथ, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मेरे बालकों के ऊपर जो टेंशन आ रही ना तुम्हारे ऊपर, घर वाले परेशान से ऐसे घूमते रहते, कई वालों के परेशान पेरेंट क्या कर रहे हैं ऐसे करके चीजें कर रहे हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आया। कहां से बात आई, एक बच्चे को उसके पिताजी ने कह दिया ऐसा, अगर तू सेलेक्ट नहीं हुआ ना, तुझे सेलेक्ट नहीं हुआ ना तो कोरोना वाले के, मुझे बहुत गुस्सा आया सच में भगवान कसम, ठीक है, तू अगर सेलेक्ट नहीं हुआ ना तो कोरोना वाले के साथ तुझे सुला दूंगा। अबे क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है अगर सेलेक्ट नहीं हुआ तो कोरोना वाले के सुला दूंगा, क्या दहशत दे रहे हो, बेफालतू की बातें। तो कल जो मैंने लिखा था ना आपको, वो थंबनेल मैंने हटा दिया था किसी वजह से, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, वो बाद में बोलेंगे, कुछ नहीं बोलते। तो अगली बार आपके पेरेंट्स से बात करनी है मुझे, 5 दिन तक मेरे बाल लाख उधर जो बैठे हुए हैं वो सेफ होने चाहिए भाई, मेरे बाल को कुछ जरा सा कुछ ना हो, ना मेंटली ना कुछ, मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने टाइम पे पेरेंट्स क्या कर रहे थे, जब जब वो इस समय एग्जाम दे रहे थे तो उनकी क्या स्थिति थी भाई, उनकी क्या स्थिति थी, इतनी विषम परिस्थिति में मेरे बालक एग्जाम दे रहे, सैल्यूट टू यार, मैं सैल्यूट करता हूं तुम लोगों को। उनकी कैसी परिस्थिति थी, क्या उनको उनकी हालत नहीं खराब होती थी, क्या उनकी हालत नहीं खराब होती थी, क्या उन्हें डर नहीं लगता था। और 90% के लिए मैं एक बात कहूंगा, अगर वाकई उनके ट्रैक, उनकी बातें, उनकी कहानी सब कुछ सही है तो या तो तुम पे वो अप्लाई करें, लेकिन ऐसा करके बंदूक लगा के तो कुछ होता नहीं कि बंदूक तेरा नहीं हो सिलेक्शन तो क्या करूंगा। दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, या तो मुंह से कह दो, कई पेरेंट मेरे से कहते हैं, मैंने कहा जी आप इस बच्चे को मुंह से ऐसा करके क्यों कहते हो, तेरा नहीं हुआ तो ये होगा, तू मेरी इज्जत खराब करा देगा, रिश्तेदार जने क्या कहेंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे। अरे रिश्तेदारों के लिए पैदा करा है बच्चा, रिश्तेदारों के यहां नौकरी करेगा, स्टेटस सिंबल बना के रखना। मैं तो इसलिए, मुझे तो मेरे तो इसलिए आग लगी पड़ी भाई, मैं तो झेल रहा हूं इस चीज को अपने खानदान में, बस मुच्चों के लिए, बाबा जी अपनी मुच्चों के लिए कि तू यो बन जा, वो बन जा, वो बन जा। कितनी बीत रही भाई, तुम में से 80% की स्थिति है, या तो तुम्हें टोंक देंगे कि ऐसे 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 करके, और टोकेंगे नहीं तो दूसरा काम क्या कर देंगे, बस ऐसे मुंह बनाए घूमते रहेंगे। अरे दोनों चीज एक ही चीज है, किसी को डांट देना ओए क्या कर रहा है, और किसी को आंखें दिखाना, बात तो एक ही है, नहीं साहब मैं बोलना नहीं था बस आंखें दिखाई थी। कल बात करनी है तुम्हारे पेरेंट्स से, कल रात 9 बजे उन्हें ले आना मेरे पास, सबको बैठा लेना, तुम्हारे पक्ष में बोलूंगा मैं, तुम्हारे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, तो भी तुम्हारे पक्ष में बोलूंगा, और नहीं करते तो भी उन्हें एहसास करा दूंगा 2 मिनट में तुम्हारे पास, जिसके पेरेंट तुम्हें या तुम्हारे रिश्तेदार इधर उधर के टोंट वोंट मार रहे हैं ना जितने भी, उन्हें मेरी वीडियो दिखा देने वाला, उठ के भाग जाएंगे, वीडियो देखते देखते उठ के भाग जाएंगे, शर्म आ जाएगी अपने ऊपर ही। मुझे बहुत गुस्सा आया उस समय पे, मुझे बहुत गुस्सा आया उस समय पे, बहुत गुस्सा, जब वो पेरेंट इस तरह से कह रहे तू कोरोना वाले, अगर तेरे का सिलेक्शन नहीं हुआ तू कोरोना कोरोना कोरोना, मतलब सच्ची लैंग्वेज है भाई, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुझे कोरोना 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 गा रहा है ना, तो कोरोना वाले के साथ तुझे मिला देंगे, कोरोना वाले के साथ तुझे गले लगवा देंगे, जा तू कोरोना के नाम पे। हाँ पढ़ाते हैं, बेकार दिमाग खराब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट भाई, जल्दी जल्दी करो, बच्चों को टाइम खराब नहीं करना है। बस देखो बेटा, एक सवाल ये बन सकता है, सीओ ब्लू NH3 डीप ब्लू, ठीक है, कलरलेस व्हाइट पीपीटी। अब ये इंपॉर्टेंट है कि एक्वस अमोनिया क्या करता है, ये कलरलेस बनाता है ये वाला, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना इसमें, बकवास है सब, सब बकवास है। चलिए नेक्स्ट लिखे, अब इसका यूज देखो, जहां जहां यूज पड़े हैं ना, जहां जहां यूज आ रहे हैं तो उनमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जहां जहां पे हमारे पास में यूज हो रहे हैं तो उनके लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इन यूज को पढ़ के जाना है। क्यों? क्योंकि वो लिख देता है विच इज नॉट करेक्ट फॉर अमोनिया। ध्यान रखना यूज को मैं क्यों कह रहा हूं बेटा, जैसे इस बार ओजोन का आया था, अभी 2000 में, अभी मैं बताऊंगा 2020 में ओजोन की 4 प्रॉपर्टी आ गई, वो एक प्रॉपर्टी ऐसी थी कि समझ में नहीं आ रही थी। तो यहां पर सीधी सी बात है, विच इज नॉट यूज या विच इज यूज या विच इज फॉर इन, तो भैया ये यूज जरूर फटाफट पढ़ लो, कोई ज्यादा समय नहीं लगता यार, मैं तुम्हारे साथ साथ करा रहा हूं। चलो आगे बढ़ो, अब इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना ये जो हमारे पास में, ये जो हमारे पास में यहां पर दिया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास में क्या है, इनकी बनाने की मेथड। अब दो चीजें इंपॉर्टेंट है, या तो NO2 ब्राउन है
ध्यान रखना, देखो यहीं पे क्लियर कर देता हूं, या फिर बेटा NO3 का ब्लू लिक्विड बनाता है, मतलब या तो NO2 ब्राउन कलर की है या N2O3 ब्लू लिक्विड है, उसके अलावा इस चैप्टर में कलर की बात ही नहीं होगी, नाइट्रोजन फैमिली में कलर की बात ही नहीं होगी बेटा, केवल यहीं पे होगी। दूसरी बात इसकी क्या हो जाएगी, ये कैसा है पैरा, पैरा का कारण क्या है ऑड इलेक्ट्रॉन्स, और इसका साथी N2O4 कैसा है डाया, डाया का मतलब है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज खत्म, कहानी खत्म। क्या होगा, या तो इसका कलर या इसका कलर, ये पैरा ये डाया ये ब्राउन, ये खत्म, और बनाने की रिएक्शंस। अब दो बातें आपको और याद रखनी है, NO N2O और CO, केवल ये तीन ऐसे हैं जो अपने आप में न्यूट्रल ऑक्साइड कहलाते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड, रिमेंबर इट, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, ये रही हमारे पास में रिएक्शंस का। अब यहां N2O5 का ऑक्सीडेशन नंबर तो 5 है, लेकिन इसकी वैलेंसी जो होती है वो 5 नहीं होती, इसकी वैलेंसी 5 नहीं होती है, ध्यान रखना। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाली रिएक्शन आपकी 3 बार आई है बेटा, लेकिन ये आपको मैंने पढ़ा रखा है, जब भी किसी नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो NO2 O2 और ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये वाली बात है क्या कि यहां पर आपका PbO दिखाया गया है, ठीक है, यहां पर आपका PbO2 नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया बताओ भाई, क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि अभी अभी बताया था ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, जैसे हम इसमें जाएंगे कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एसन पीवी, तो जब हम पीवी पे पहुंचते हैं तो पीवी का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पसंद करी जाती है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जब हम ये ऑक्साइड बनाते हैं तो ये ध्यान रखना वो किस तरह का, मतलब ये कि अगर इसमें जर्मेनियम होता तो बेटा इसमें जो होती प्लस 4 वाली स्टेट ज्यादा पसंद करी जाती है, प्लस 4 वाली, रिमेंबर इट, फंस मत जाना इस चीज में, ऊपर वाले बढ़िया ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, नीचे वाले नीची ऑक्सीडेशन पसंद करते हैं, दैट्स इट, खत्म। एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी से आएगा, खत्म करते हैं एनसीईआरटी। अब ये देखो, ये रहे स्ट्रक्चर, अब इसमें क्या आएगा बेटा, इसमें क्वेश्चन ऐसे करके आ रहा है, N2O5 में टोटल लोन पेयर, ध्यान रखना N2O5 में टोटल लोन पेयर, जैसे एक क्वेश्चन क्या आया था I3- सेंट्रल पे लोन पेयर, मतलब जो सेंट्रल में आई है उस पे लोन पेयर, और एक आया I3- में टोटल पे लोन पेयर, ये ध्यान रखना, ये लैंग्वेजेस बता रहा हूं मैं आपको, आजकल ये टोटल वाला शब्द बहुत आ रहा है, जैसे NH3 पे लोन पेयर, और आपसे क्या कहा NCl3 पे टोटल, बताओ भाई NCl3 टोटल लोन पेयर बताओ, NCl3 के टोटल बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताइए NCl3 पे टोटल लोन पेयर बताओ, जल्दी बताओ NCl3 पे टोटल लोन पेयर, हाँ पूरे पढ़ाऊंगा, आप लाइक करते चले जाओ, जोश हमारी टीम का बढ़ता रहेगा, सब बैठे हुए यहां पे, आप लाइक करते जाओ सेशन को, जोश बढ़ता जाएगा, मैं पूरा पढ़ाता जाऊंगा, टोटल लोन पेयर बताओ NCl3 पे, कम ऑन NCl3 पे टोटल लोन पेयर, फिर गड़बड़ कर रहे हो, 3 नहीं होते 1 नहीं होते, मारूंगा गाल पे बहुत, पता चला थोड़ी देर में कैमरा टूट गया, दो दो कैमरे लगवा रखे मैंने इस चक्कर में, क्या अगर एक टूट गया गुस्से में, NCl3 पे टोटल बताओ, कम ऑन NCl3 पे कितने हुए, ये लोन पेयर Cl 3 3 3 3 कितने हो रहे हैं, 10 लोन पेयर हो रहे हैं, क्या नालायकी कर रहे हो, ये एक लोन पेयर लिख रहा है, अजय पागल हो गया क्या, दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है पागल हो रहे हो, दिमाग खराब हो रहा है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट, तो इनके स्ट्रक्चर देखेंगे, मैं और किसी के नहीं कह रहा, आप एक मिनट रुको, एक बहुत बढ़िया सा सवाल बनता है, क्या सवाल बनता है, सवाल यह बनता है, यहां पर NN के बीच की बॉन्ड लेंथ 186 है, यहां पर NN के बॉन्ड लेंथ कितनी है 175, मतलब यह कि N2O3 और N2O4, ये सवाल भी देखा गया है, क्या सवाल देख दिया, सवाल ये देख दिया कि आपका जैसे ही आपका N2O4 होता है बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, ऑक्सीजन बढ़ रही है, कह रही भाई तेरी बॉन्ड लेंथ कम कर देंगे, ये सवाल भी देखा गया है, ये सवाल भी आया है, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ याद रखना, एक नजर भर में हो जाएगा सारा काम, ठीक है चलिए नेक्स्ट, कम ऑन जल्दी से, मेरे बालक बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बहुत सही, बहुत बढ़िया नेक्स्ट। अब देखिए नाइट्रस एसिड की एक कहानी बताई थी, क्या बताई थी, बस एक ही कहानी इंपॉर्टेंट है, HNO2 HNO3 NO और H2O, बस यही आपको काम आनी है, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। देखो फिर आ गया लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर फॉर्म, ये आ गए दोनों भाई,
चाइना चिली सॉरी चिली और इंडियन आ गए दोनों फिर से NNO3 से या फिर KNO3 से, ये रही हमारे पास में, ये आपकी बनाने की मेथड आएगी। इसमें ये आप कैटलिस्ट याद रखेंगे, NO बना करता ये भी याद रखेंगे, NO+O2=2NO2 भूलना नहीं है, याद रखना बेटा याद रखना बिल्कुल, ठीक है। कोई नहीं मतलब फर्स्ट टाइम ऑन द यूट्यूब NCERT को एक अलग ही स्टाइल में पढ़ाना, अलग स्टाइल में जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, एक बार NCERT पे निशान लगाते जाना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। बस अब देखो आपसे बहुत पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेप में ये आया, वो सवाल है 68% बनता है, सेकेंड स्टेप में 98%। सर अगर ये नहीं आया तो आप क्या करोगे? सर शर्त लगाओ आप, ये नहीं आएगा तो, सर शर्त लगाइए ऐसा होगा तो, शर्त लगाइए वैसा। भैया मैं शर्तें नहीं लगाता, मैं गारंटी नहीं लेता। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं आएंगे, अगर ये नहीं आएंगे तो NCERT में वो आएंगे जो मैंने पढ़ा दिया है, ये नहीं आएंगे तो NCERT में वो आएंगे जो मैंने पढ़ा दिया है, और वो आप पहले से जानते हो, हीरो हो उस चीज के, यू फोड़ देते हो उन सवालों को यूं ऐसे करके, यार NCERT करा के तो लास्ट कर रहा हूं, द एंड ऑफ द गेम, द एंड ऑफ द गेम चल रहा, बस कि गेम का एंड करते रहे NCERT पढ़ा करके, ठीक है। चलिए साहब ये रहा देखो आपकी डिस्टेंस वाली बात, ये रहा अगर ये स्ट्रक्चर इन्होंने दिखाया है, अगर ये स्ट्रक्चर ये दिखाया तो पागल नहीं है, NTA वालों की निगाह यहीं पड़ेगी, इसलिए इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो भाई अब चलते जाइए, सब बकवास है बस। अब देखो दुनिया का सबसे खतरनाक सवाल, CuHNO3 डायल्यूट HNO3। देखिए हम क्या पढ़ाया करते हैं, HNO3 हॉट प्लस कंसेंट्रेट, हम क्या कहते हैं, खूब पढ़ाया मैंने, NO2+H2O देता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइड, HNO3 हॉट प्लस डायल्यूट, हॉट प्लस डायल्यूट क्या देता है, NO+H2O+ सामने वाले को ऑक्सीडाइज, HNO3 डायल्यूट प्लस कोल्ड क्या देगा, N2O+H2O, N2O+H2O। अब देखो ये डायल्यूट प्लस कोल्ड का ये हम रट के जाते हैं और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं, लेकिन ये यहां फेल हो जाता है, Cu+2 स्टेज में गया, मतलब कुछ नहीं होता, Cu+2 स्टेज में गया, कितना हो गया ये +2 ऑक्सीडाइज कर दिया, और ये NO, ठीक है। CuHNO3 कंसेंट्रेट, अभी हमें बताया था कंसेंट्रेट क्या देता है, NO2 और सामने वाले को ऑक्सीडाइज, लेकिन ये Cu और ये ZN ध्यान रखना बेटा, कंसेंट्रेट से तो यही काम हो रहा है, लेकिन डाइल्यूट ZN हमारे पास में N2O दे रहा है। अब कैसे याद करोगे, याद कैसे करोगे, झंडू नाम सुना है, ठीक है, झंडू 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 बाम झंडू, ZN से झंडू, ठीक है, दिल देखो दिल हो गया डाइल्यूट, ठीक है, दिल ले गया झंडू दो बार, मतलब नाइट्रोजन दो बार लिखी होगी, दिल ले गया झंडू दो बार, खत्म। झंडू बाम याद आता है भैया, हमारे तो गांवों में ऐसे नाम होते थे, कलुआ मलुआ बलुआ, ठीक है, किसी का नाम कलुआ, किसी का नाम मलुआ, किसी का नाम रड़कू, झंडू हमारे यहाँ तो कई सारे थे गांव में, मेरा नाम भी खेम सिंह, मेरा नाम जो बचपन का है वो खेम सिंह, ठीक है, और वैसे निकनेम नहीं बताऊंगा, तुम लोग वायरल कर दोगे यूट्यूब पे, वायरल कर दोगे मेरा निकनेम जो है बचपन का, ठीक है। संघर्ष लाइफ का हर किसी के साथ होता है, अजीब अजीब सी घटनाएं सबके साथ होती हैं, कोई ऐसा ऊपर से ऐसे नहीं पैदा होता, कोई अगर अमीर के घर में पैदा होगा तो वो क्या कहेगा कि व्हेन आई वाज बॉर्न मेरे फादर के पास मर्सिडीज थी, मेरे फादर के पास दो फैक्ट्री थी, लेकिन जो अड़ोस पड़ोस वाले जो थे उन पे जगुआर थी, उन पे रेंज रोवर थी, उन पे ये थी, उन पे 50 फैक्ट्री थी, देन आई हैव क्या करा, मैंने मेहनत करी और मैं मेहनत करके 40 फैक्ट्री बना ली और एक एरोप्लेन ले लिया। तो किसी भी आदमी का बेस कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, हर आदमी की स्टोरी संघर्ष वाली होती है। अगर मार्क जुगर करके यहाँ कोई पैदा होगा या जिन्हें कौन कौन स्टीव वॉग ये वो सबके पैदा होगा, संघर्ष वहाँ से भी है लाइफ का, लाइफ का संघर्ष हर जगह बेटा, जो अमीर के यहाँ पैदा हो वो, जो गरीब के यहाँ पैदा हो वो, जो कंडीशनली पैदा होगा वो, जो अनकंडीशनली होगा वो, सब जगह संघर्ष है। ये मत सोचना संघर्ष की स्टोरी वही अच्छी है
कि एक बिल्कुल झोपड़ी में आदमी था, झोपड़ी में रह करके वो अपने आप में काम करने लगा, मेहनत करने लगा, फिर वो आपने संघर्ष में रिचनेस को संघर्ष का रिजल्ट मानते हो, रिचनेस को, मतलब एक साइकिल चलाता था, फिर उसके बाद उसने ये काम करा, ये काम करा, अब उसने इतनी बड़ी दुकान खोल ली, एम्पायर खोल लिया, फैक्ट्री खोल ली। जरा ध्यान रखना, आपने चार पांच दिन के फ्लो को बदलिए, अपनी मेंटालिटी को जरा चेंज करिए। चार पांच दिन बाद तक आपको दिमाग में क्या रखना है कि आपको सेलेक्ट होना है, आपको अच्छा करना है, आपको अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है, ठीक है। तो हर किसी के साथ संघर्ष है। क्या कोई मतलब खरबपति का यहाँ पर, मतलब अंबानीज में अगर कोई पैदा होगा तो क्या उनके यहाँ संघर्ष नहीं है? वो उससे बड़े का सोचते हैं, वो बेस होता है, एवरीथिंग इज बेस। तो आज अगर आपके बेस पढ़ाई का सब कुछ तैयार हो गया तो इससे आगे को पढ़ लेते हैं। कोई अपनी बातों को कह दे, मैं कह दूं, ये कह दूं, नहीं, एवरीथिंग हमारा भी संघर्ष है बेटा, करते हैं इसको। चलो अब देखो ये वाले रिएक्शन आप अच्छे से जानते हो बेटा। I2+HNO3 बहुत फेमस है, HIO3 देखो कर दिया, नहीं कर दिया आपने। कार्बन किसमें पहुंचेगा? CO2। सल्फर किसमें पहुंचेगा? H2SO4। खूब पढ़ा है। फास्फोरस किसमें पहुंचेगा? H3PO4। ये हो गया, ये हमारे पास में हो गया। अब नेक्स्ट ब्राउन रिंग टेस्ट। ये रहा ब्राउन रिंग टेस्ट, केवल ये रहा फॉर्मूला। दो बातें आएंगी, कौन देता है? नाइट्रेट। बस यहां से याद रखना, नाइट्रेट देता है प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका प्लस वन इसका, नाइट्रेट देगा प्लस वन इसका, दैट्स इट, खत्म होगी बात, ठीक है। ये रहा यूज नहीं छोड़ना है, आगे की ओर बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट खत्म। तो HNO3 की बनाने की लैब मेथड, एक तो वर्कले हाइड मेथड आपको जरूर करनी है और उसकी कैटलिस याद करने। अब मैं थोड़ा सा बेटा तेज चलूंगा, थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं तेज चलूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर हम रिएक्शन की बात करें तो फास्फोरस में कोई रिएक्शन नहीं आएगी, रिएक्शन आएगी तो ये वाली आएगी। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट बात आएगा, वो जीरो है, जीरो के बाद ये -3 है, और यहां पर फास्फोरस को अगर निकालेंगे तो पॉजिटिव में आएगा। कैसे होगा? इसका +1, इसका +2, इसका x, इसका -4, तो x इज इक्वल टू कितना रहा? +1। ये भी हमसे पूछ सकता है, कि हमारे पास में ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है। तो यहां पर क्या हुआ? ये डिक्रीज, ये इंक्रीज। कैसी रिएक्शन हुई है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। भैया पढ़ा भी रहा हूं, रिवाइज भी करा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। कम ऑन नेक्स्ट, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बस रोक दीजिए। इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं, 60 का एंगल होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, p की परसेंटेज पूछी जा सकती है। ये हमारे पास में p4o6 हो गए, इनके स्ट्रक्चर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाने मैंने आपको बहुत पहले ही सिखा दिए हैं। ये स्ट्रक्चर बनाने, मैं तो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, ये स्ट्रक्चर बनाने मैंने आपको बहुत पहले सिखा दिया। दिस इज व्हाट, ये हमारे पास p4o6 है। अब p4o10 ये रहा P4O10, ये रहा, दैट्स इट, ठीक है। तो हमारे पास में जो व्हाइट फास्फोरस होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्ट होता है, हमारे पास में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है कौन होता है? व्हाइट, ठीक है। रेड फास्फोरस आपका रिएक्टिव नहीं होता है, और ब्लैक फास्फोरस हमारा थर्मली स्टेबल होता है, ब्लैक इज थर्मली स्टेबल। तीनों सवाल आए हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव वाले मेंबर है P4, इसी को दिखाते हैं, दिस इज फॉर व्हाइट। रेड हमारा रिएक्टिव नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर भी डिफाइंड नहीं है, और ब्लैक हमारे पास में थर्मली स्टेबल हुआ करता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कम ऑन नेक्स्ट, ये सारी बात मैंने आपको क्लियर करा दी, बस। अब PS3 बनाने की मेथड, PS3 बनाने की, कोई भी फास्फाइड PS3 देता है जैसे कोई भी नाइट्राइड NS3 देता है, तो ये कहानी खत्म। इसमें ये सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कोई मुश्किल नहीं है, ये इसके पास जाएगा और ये PS3 को रिलीज कर देगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज हमारे पास में क्या होता है? रोटन फिक्स एक्सपेयर हमारे पास में कॉन्टेक्ट विद Cl2HNO3 के साथ में ये प्रपोज हो जाता है, बस कदम। नेक्स्ट, निशान लगाते रहिए वहां वहां जहां मैं बता रहा हूं, कल ये चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक अमोनिया का टेस्ट हो जाता है, प्लेटिनम एसिड से अमोनिया का टेस्ट आता है। PS3 का रिएक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, जब हम कभी याद करेंगे, और रिएक्शन मैंने आपको करा रखी है। अगर मुझे NS2 बनाना पड़ा, NS2, इसकी रिएक्शन मैंने आपको करा रखी है, NaCl, NS3 वगैरह, ये सब रिएक्शंस करा रखी, खूब पढ़ा रखी है, और मैं भी आपको दे रहा हूं, लेकिन अभी NCERT फोकस चल रहा है हमारे पास में।
चलिए नेक्स्ट बस दो मिनट। अब यहां दो रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। PCl3 में तो कोई दिक्कत नहीं, हाइब्रिडाइजेशन आएगा, PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन आएगा। दो रिएक्शन कौन सी इंपॉर्टेंट है बेटा, एक तो ये वाली, ये इंपॉर्टेंट है। SOCl2 होगा तो PCl3 बनेगा और S2Cl2 बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखे रहना अपने पास में। ये मैं खूब पढ़ाया आपको कि ये अगर PCl3 है तो ये प्लस थ्री स्टेज है, यहां भी क्या आएगा प्लस थ्री आएगा, यहां माइनस वन है, यहां भी माइनस वन है, ये हमारे पास में आता है, इस चीज को ध्यान रखे रहेंगे। इससे नेक्स्ट की तरफ हम जब जाते हैं, जब रोकिएगा, जब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, अगर मेरे पास में SO2Cl2, ध्यान रखना पहले क्या था SOCl2 और यहां क्या SO2Cl2 है, तो प्लस फाइव बनता है, प्लस फाइव बनता है। अब कैसे याद रखेंगे कि क्या होता है, यहां पर S की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, देखो प्लस थ्री, प्लस फोर, सॉरी प्लस फोर, यहां पर S की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस सिक्स, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हायर बनाएगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला लोअर बनाएगा, भूलेंगे नहीं आप कभी भी। वहां पर एक चीज और थी कि वहां S2Cl2 बना था, बस इतना ध्यान रखिएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आपका हायर बनाएगा, लोअर वाला लोअर बनाएगा। जब इसकी वाटर से रिएक्शन करते हैं तो H3PO4 बनता है, मतलब ये प्लस फाइव में है तो ये भी फाइनली प्लस फाइव में जाता है। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, अब चलिए जल्दी जल्दी चलिए, इसके बारे में आप जानते हो PCl5 का स्ट्रक्चर, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बेटा, मैं ये भी जानता हूँ मेरे बच्चे जानते हैं काफी चीजों को, ये हमारे पास स्ट्रक्चर को आपको देख लेना था। आगे चलिए कोई दिक्कत नहीं, बस रोक लीजिए। इसमें हमारे पास में ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मेरे पास में ये इसका स्ट्रक्चर आता है आपके पास में, ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास में, पी हमारे पास इस तरह से, ये मेरे पास ओ है, यहाँ पर आपका इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर HPO3 में ओ हमारे पास, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ ऐसे करके पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, दिस इज साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसके नाइन आपके हुआ करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को बस याद करेंगे, उसके अलावा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, फटाफट बस एक ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम H3PO3 को हीट करते हैं तो ये प्लस थ्री है, ये प्लस फाइव है, ये माइनस थ्री, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गई, दिस इज अगेन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये स्ट्रक्चर बहुत वेल नोन है आपको, इनकी कोई कहानी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये H3PO3 का स्ट्रक्चर आपके पास में हो गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन सेइंग। नेक्स्ट आ जाइए, बस एक रिएक्शन और याद रखिएगा, AgNO3 जब H3PO2 से रिएक्ट करता है तो ये रिड्यूसर की तरह काम करता है, ये सवाल आता है, और बड़ी अजीब सी बात है, दो ऐसे एसिड बनते हैं HNO3 और H3PO4 जो दोनों के एसिड है, मतलब फॉस्फोरस का और नाइट्रोजन दोनों का एसिड है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कम ऑन, अब ऑक्सीजन ग्रुप पे आ जाते हैं, इसमें बहुत तेजी से चलेंगे क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चलिए आ गया ये, बस ये हमारे पास में क्या है, ये बाई मास परसेंटेज याद रखनी है, दिस इज बाई मास, ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ऑन अर्थ बाई मास, ठीक है, बाय वॉल्यूम हमारे पास में इसका कंसेप्ट ये हुआ करता है, ठीक। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है, बस वो मुझे समझाना था आपको कि हमारे पास में इसको बेरेटास कहते हैं, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, कॉपर पायरेटीज, सर ये याद है, हाँ बिल्कुल याद है, इनको यहीं से उठाया जाता है, इनको यहीं से उठाया जाता है, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला जो मैं आपको बोल रहा था कि नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो सामने 7p3 था वहां, यहाँ 7p4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए रोकिए, देखिए अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एग्जामिनेशन में आएगी, अभी मैं, ये रहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको आश्चर्य होगा, सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप ध्यान देंगे तो मैंने लिखवाया भी, ये ऑक्सीजन की सबसे कम होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होती है इसके अंदर, ये ध्यान रखेंगे, ये इसका सबसे फेबुलस और सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर लास्ट में आगे वही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिर से गड़बड़ोगे, जो लास्ट वाले होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट आपका पहले वालों से कम हो जाता है, लास्ट वाले जो होते हैं जब हम ग्रुप में जाते हैं, लास्ट वाले जो पहले वालों से कम हो जाता है वो डी ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टाइम जल्दी जल्दी निकालेंगे हमारे बच्चों का, ये कोई नहीं है, कोई जरूरत नहीं, बस ये हमारे पास में यहां पर एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन की बात आती है, ये इस बार का भी आपका सवाल आया हुआ है कि हमारे पास में क्या होता है H2O H2S, इनमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है और इनमें से रिड्यूसिंग और एसिडिक करेक्टर, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम ऊपर की ओर होते हैं चाहे वो NH3 हो और यहां हमारे पास में कौन है BH3, तो यहां से हम लेते हैं BiS2 H- और यहां प्लस, तो ये रिड्यूसर का काम बहुत अच्छा कर रहा है,
जब हम एसिडिक नेचर की बात करते हैं वो भी नीचे की ओर बढ़ती है, क्योंकि नीचे वाला जब हमारे पास में से क्या करता है, H प्लस को लेता है तो माइनस, तो ये माइनस बड़े साइज पे आराम से बैठ जाता है, तो एसिडिक भी अच्छा नीचे होता है और रिड्यूसर भी नीचे, ऊपर से नीचे की ओर H माइनस भी आराम से मिलता है और H प्लस भी आराम से मिलता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज का ध्यान रखेंगे, इस वीडियो के नीचे एक लिंक लगा होगा जहां से आपको नोट्स निकालने हैं। इस वीडियो के नीचे आपको एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, प्रीवियस ईयर आपको मिलेंगे, जेई के नीट के प्रीवियस ईयर मिलेंगे, जब आप इसे पढ़ेंगे तो वो आप कर लेंगे। मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ ऐसे नोट्स हैं जिन्हें पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। कम ऑन नेक्स्ट। बेटा हवा हवा में नहीं होता है, जहां जाकर लेक्चर देखोगे और ओके वहां हवा हवा में उड़ा देते हैं, वो मेरे बस की बात नहीं उड़ाना। ये एक इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड डिसोसिएशन, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इस वाले से ज्यादा है, लेकिन किसके साथ कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अकेला ऐसा है, वहां अमोनिया में क्या था, अमोनिया का ज्यादा था, फिर यहां क्या है, इसका सबसे ज्यादा है। ठीक है, देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन हमारे पास में बात आ रही है इस तरह से, ये ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन की हमें इसमें ध्यान रखना। बॉइलिंग पॉइंट में देखेंगे तो यहां पर वॉटर का सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद में हमारे पास में कौन सा, ये वाला है, ध्यान रखना, फिर ये है और फिर ये, जबकि इससे पहले वाले ग्रुप में जो था बिस्मिथ BiH3 का ज्यादा था, ध्यान रखना ये गड़बड़ मत कराना। BiH3 वाले ग्रुप में और NH3 वाले ग्रुप की बात करेंगे तो इसका सबसे ज्यादा था, जबकि यहां पर H2O का सबसे ज्यादा है, ठीक है, फिर इसका है, फिर इसका, फिर इसका है, वहां पर BiH3 का सबसे ज्यादा था। ये गड़बड़ भी बहुत बच्चे करके आते हैं। कम टू द नेक्स्ट, रोकिए बस, ये हमारे पास में SF4 के बारे में आता है। इसके दो बातें आती हैं, एक तो हाइब्रिडाइजेशन और यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे पास में इसकी सी सा ज्योमेट्री होती है, ये आपके पास में आता है, ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, और एक ये पैरा इंपॉर्टेंट है आपके पास में, इसको याद रखेंगे। और इसके सारे बॉन्ड इक्वल नहीं होते, ये पढ़ाया हुआ है, SF6 के सारे बॉन्ड इक्वल होते हैं। किसके सारे सिक्स होते हैं? SF6 के ऑल इक्वल, इसके सारे इक्वल होते हैं, लेकिन SF4 की बात करेंगे तो सारे बॉन्ड इक्वल नहीं होते हैं, ये आपके पास में मैंने ये बताया था। ऐसे ही मैंने आपको बताया था CLF3 के भी सारे बॉन्ड इक्वल नहीं होते, इसका डायपोल मोमेंट, इस वाले का डायपोल मोमेंट होता है जीरो, इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, जबकि इस वाले में भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। नेक्स्ट, कम ऑन फास्ट, यस, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है H2S2 वाली, इसको देखिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, सब छोड़ देना है, ठीक है, सब छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए, ये हमारे पास में ऑक्सीजन बनाने की प्योर मेथड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है, आपसे क्या, देखिए ये कहा क्लोरेट नाइट्रेट, एंड ये इंपॉर्टेंट बात है, KClO3 KClO2 O2 प्योर ऑक्सीजन की बात आती है, Ag2H2O। अब एक चीज ध्यान रखना, एक रिएक्शन आपको कभी ना कभी ऐसे भी मिलती है कि ऐसे लिखा और यहां KClO प्लस O2 लिखा, ध्यान रखना ये भी अगर ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, तो ये रिवर्सिबल होती है, अगर आपकी दोनों ऑक्साइड है तो ये रिवर्सिबल होगी, ध्यान रखना ये और ये दोनों ऑक्साइड है तो ये रिवर्सिबल होगी, लेकिन अगर यहां ऑक्सीजन नहीं है तो ये रिवर्सिबल नहीं होती है, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहां पर, ठीक है। इंडस्ट्री ऑक्सीजन इज ऑब्टेन फ्रॉम ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट, ओके, डाइऑक्सीजन कलरलेस वगैरह, ये सब इनमें से कोई भी बात इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक होती है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसके 3 आइसोटोप होते हैं 16, 17, 18, ये भी हम अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए यहां पर कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सबसे रिएक्ट करती है, 2 से नहीं करती, नॉन मेटल इनसे तो कोई भी नहीं करता, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट, ये सारी रिएक्शंस आपको आती हैं ऑक्सीजन की रिएक्शन से, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। V2O5 SO2 से रिएक्ट करता है, ये हमारे पास में कॉन्टैक्ट प्रोसेस की हम बात करते हैं H2SO4 बनाने के लिए, वहां का कैटेलिस्ट है। कम ऑन नेक्स्ट, इसके यूज आ गए, एलोट्रॉप की बात आई, नेक्स्ट 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 चलते जाइए, खत्म, बस रोकिए। अब हमारे पास में क्या होता है, ऑक्साइड ये सब चीज, ये सब जितने लिखे सब छोड़ दीजिए, इनको वहां तुम आराम से कर लोगे। चलो चलिए, अब आपको क्या करना है, आपको एक चीज और रखनी है, डी ब्लॉक में होता है V2O5 V2O3 V2 ये जो है ऑक्साइड, ये इनमें से कौन बेसिक है, कौन एम्फोटेरिक है, कौन एसिडिक है, ये याद रखेंगे आप, ये मैंने पढ़ा रखा है,
मेरी एक वीडियो है डीएनएफ, डीएनएफ के नोट्सों में भी दे रखा है, इसलिए इनको याद रख करके जाएंगे, इनको भूलना नहीं है किसी बच्चे को। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये AlS2O, यहाँ ये 6 है, यहाँ Al की हाइब्रिडाइजेशन जैसे AlCl3 है और इस पे पानी डाल दिया और यहां बना AlS2O होल 6। मुझे ये बताइए यहां इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है और यहां इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना। कम ऑन, ये आया हुआ सवाल है जेई एडवांस का, जल्दी से बताइए यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कितना है, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कितना, जल्दी बताइए फटाफट। देखना चाहता हूं क्या कि जेई एडवांस का सवाल है, ये जेई एडवांस का है। AlCl3 में Al का आपका हाइब्रिडाइजेशन और AlS2O होल 6 में हाइब्रिडाइजेशन, ये आया हुआ सवाल है, ध्यान रखना आपको। बताइए फटाफट, कम ऑन, आई एम वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताइए। SP4 मोहम्मद अजाज, SP4 नहीं होता बेटा, हाइब्रिडाइजेशन बेटा। पहले में कितना, दूसरे में कितना, कमऑन, यस, फटाफट। मेरी ग्लो यार, पानी मंगवा दो, फीवर बढ़ रहा, काफी हो गया, बढ़ने लगा फीवर। यस, उधर गिलोय, उधर रखी, उधर गिलोय डिब्बी, पानी जल्दी लिया, फीवर बढ़ा बहुत तेज। ये हमारे पास में क्या है, इसका होता है बेटा यहां पर SP2 और इस वाले का हमारे पास में होता है SP3D2, दैट्स इट, ये हो गया। आपको बिना एसी के प्रॉब्लम तो नहीं रही आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, ये याद रखना आपको, भूलना नहीं है इस चीज में। अब इसकी ये रिएक्शन Al2A वगैरह वगैरह, अब मैं आपसे वो बाद में पूछ लेंगे, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, यहां पर ये ओजोन की मेथड, अब यही वाला ड्रामा आया था ऑक्सीजन का, यही वाला ड्रामा आया था, देखिए ओजोन का, चलिए 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 ऊपर बढ़िए, ओजोन का यही वाला ड्रामा आया था, चलिए आज मतलब जो जेई में इस साल आया था, बढ़िए। अब आपको एक ऐसी चीज बताता हूं, यहां पर जो आप घूम जाएंगे O2 से O3 मतलब 3O2 से 2O3, तो इसके लिए डेल्टा एस और डेल्टा एच आता है, डेल्टा एस और डेल्टा एच, मतलब डेल्टा एस क्या हो रहा है, 3 से 2 डिक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है। अब एनर्जी यहां क्या होती है बेटा, ये देखो यहां एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको इस समय पे कह रहा हूं, ठीक है। प्रॉपर्टीज, प्योर ओजोन इज पेल ब्लू, ये इसका कलर, डार्क ब्लू लिक्विड, वायलेट ब्लैक सॉलिड, ये तीनों चीज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बार इसका क्या था ओजोन का, ये देखिए एक और बात है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, मतलब ओजोन क्या है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। तो तीन बातों का क्वेश्चन आपका आ गया था और वो रिएक्शन, चलिए ये रही वो रिएक्शन जो वहां पर आई थी, क्या पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है, लेड सल्फेट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारी बात। अब इसके साथ में जो रिएक्शन हमारे पास में आई थी, ये रिएक्शन देख लीजिएगा, पीबीएस को PbSO4 ऑटो में बनाना, चलिए आगे चलिए। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, इस साल के लिए अगर कुछ है, व्हेन ओजोन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, तो यहां पर क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेस्ट्रीमेशन के लिए ओजोन को यूज करते हैं सोडियम थायोसल्फेट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर आप तो कह रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे करके वैसे करके ऐसे तो कुछ भी हो जाए, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं कुछ क्या छोड़ना क्या करना, क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ो, ये रहा, रोक दीजिए, ये रहा, ये आपका जेई 2020 मतलब अभी जो आपका सितंबर में हुआ है वो इस पैराग्राफ से आया था, इस पैराग्राफ से, इतने वाले से कि NO को NO2 में कन्वर्ट कर देती है कौन, ओजोन, ये और क्या क्या काम करती है, स्लोली डिप्लीकेशन, ये भी आया था, ये भी आया था आपका, ये वाली चीज भी आई थी
तो इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो ये रहा अनदर ट्रीटमेंट ऑफ ओजोन लेयर ऑफ द प्रॉब्लम। अब क्या करा जाए, इसको बहुत सारे बच्चे गलत करके आ गए, ओजोन के एक छोटे से क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत करके आ गए। तो ये भी हमारे पास में आया हुआ था। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ये चीज़ छोड़ के नहीं जानी, इस तरह की छोटी यूज ये नहीं छोड़ना इसका। चलिए नेक्स्ट, कम ऑन। सल्फर का एलिमेंटल फॉर्म कौन सी होती है, जल्दी बताओ भाई, सल्फर की एलिमेंटल फॉर्म कौन सी होती है। मैं एक चीज तो बता देता हूं, ये इसमें सोलेबल होती है, ये सोलेबल इन CH2। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसकी एलिमेंटल फॉर्म बताइए, बहुत जल्दी से बताइए मुझे, इसकी एलिमेंटल फॉर्म कौन सी है सल्फर की, बताइए सल्फर की एलिमेंटल फॉर्म कौन सी है, जल्दी बताओ। हमारा लगभग सवा घंटे सेशन चल पड़ा है और हमने अभी तक काफ़ी कुछ वो चीज़ें कर ली हैं जो हमें करनी चाहिए। ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म कम ऑन, चलिए बताइए भाई, एसेट नहीं, एलिमेंटल फॉर्म का नाम ऑर्थोरोम्बिक या मोनोक्लिनिक क्या नाम होता है उसका, एलिमेंटल फॉर्म का नाम क्या होगा, जल्दी बताइए, रुक गया, यस रोम्बिक, वेरी गुड। रोम्बिक फॉर्म जो होती है वो एलिमेंटल फॉर्म होती है और उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, जीरो। आयोडीन सॉलिड होता है, Cl2 गैस होता है, F2 गैस होता है और आपका Br2 एज ए लिक्विड होता है। ये हमारे पास में क्या होती है, एलिमेंटल फॉर्म्स हुआ करती हैं। कार्बन में ग्रेफाइट हुआ करती है, इनमें से कोई भी सवाल आ सकता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कम ऑन, खत्म करिए, जल्दी से खत्म करते हैं चैप्टर को। ये एंगल्स और ये लेंथ याद करके जाएंगे, ध्यान रखना, बिल्कुल भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है इसको। ठीक है, और सल्फर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब जरा देखो, ये सवाल खूब आया है, SO2 इज डोमिनेटिंग स्पेसीज एंड इज पैरामैग्नेटिक, आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, ये पैरामैग्नेटिक होता है, ये एग्जाम में आपके आया हुआ क्वेश्चन है। कम ऑन नेक्स्ट प्रिपरेशन, ये छोड़ दीजिए, ये तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से आप जानते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट SO2+H2S2SO3, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, सब इसमें ये वाला क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि ये जब इसके साथ होता है तो पहले ये बनता है, फिर सल्फर से रिएक्ट करते हैं तो Na2S2O3 बन जाता है। चलिए नेक्स्ट, हमारे पास में ये रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिर से SO2Cl2 से रिएक्ट करके SO2Cl2 होता है, यहां SO3 होता है, यहां पर SO2 और ये मिलकर के क्या बना रहे, ध्यान दीजिए क्या बना रहे हैं, H2SO3, ये H2SO3 बना रहे हैं, और जैसे ये Fe+3 Fe+2 में पहुंचेगा, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस, तो सामने वालों क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो ये क्या बनेगा, H2SO4, तो ये क्या होता है, SO4-, तो ये +3 +2 में जा रहा है और SO4- बना रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ये अब आपको क्या बताना है, आपको थायोलिंक याद करने, ये रहे देखिए थायोलिंक्स, मैंने आपको पहले बता दिया था, थायोलिंक्स आपके कहां कहां पर होंगे, आपका S2, S2O3, S2, S2O4, ठीक है, आपका S2, S2O2 और S2SNO6, N की वैल्यू क्या है, 2, 3, 4, इस तरह से। ये हमारे पास में क्या है, थायोलिंक्स होते हैं, ये हमारे पास में क्या होते हैं, थायोलिंक्स हुआ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में जो चीज़ आता है, ये सारी चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इतने सारे बच्चे बैठे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत हाईली इंपॉर्टेंट में से हमारे पास में है ये। ठीक है,
हमारे पास में क्या रखा है, ये H2SO4 के बनाने की मेथड, इसमें हमारे पास में क्या हुआ करता है V2O5, ये V2O5 जो हमारे पास में दिया हुआ है कैटलिस्ट SO2 to SO3 हुआ करता है, ठीक है, ये अपना ये V2SO5 कैटलिस्ट कैटलिस्ट, इस वाले कॉन्सेप्ट को याद रखना है, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, इस वाली बात को रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ओलियम को आप जानते हो, बस मैंने आपको क्या कहा कैटलिस्ट की याद रखनी V2O5, इसके बारे में आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट कम ऑन नेक्स्ट 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 जल्दी से ले चलिए इसे, चलिए नेक्स्ट। आप देखिए यहां पर कोई भी चीज नहीं पढ़नी आपको, मैं निशान पहले लगा देता हूं, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना कहां पर है इस जगह पर, चलिए ये रहा, ये आपको क्या पढ़ना बेटा, कोई भी मेटल हैलाइड है वो हमारे पास में ये इनमें से कोई चेंज नहीं होता, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, कैसे, अगर मेरे पास में NaF है और H2SO4 दे रखा है तो आपका क्या होगा Na2SO4 बन जाएगा और HF बनेगा, क्यों, क्योंकि ये H2SO4 इतना अच्छा ऑक्सीडाइजर नहीं है, फ्लोरीन और क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर दे, लेकिन अगर यहीं पर NaI है और साथ में H2SO4 दे रखा है तो आपका Na2SO4 बनेगा और साथ में आयोडीन भी निकलती है, ये ध्यान रखना, मतलब F और Cl क्या होते हैं, अगर मेरे पास में इधर F- है तो इधर HF बनेगा, यहां Cl- है तो HCl बनेगा, मतलब दो ऐसे हैं जो एज इट इज होते हैं, उसके अलावा आपका अगर Br- है और अगर आपका I- है, खूब पढ़ा है वो Br2 और I2 बनाता है, यहां क्वेश्चंस की बात नहीं हो रही आज, क्वेश्चन पढ़ाने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसने कर दिया इसको खत्म, मतलब C12H22O11 पे अगर आपने H2SO4 डाला तो आपको कार्बन मिल जाती है। अब मुझे जरा एक चीज बताइए कि अगर आपने क्या करा, सॉरी C12H22O11 पे HNO3 डाला, HNO3 डाला तो क्या बनता है बताओ, C12H22O11 पे अगर H2SO4 डालते हैं तो कार्बन बन रही है, लेकिन अगर इस पे HNO3 डाला तो क्या बनता है, फटाफट बताइए, कम ऑन बताइए भाई क्या बनता है, ये एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, नौ बजे तक सेशन रहेगा भाई, नौ बजे तक सेशन रहेगा, अगर थोड़ा बहुत और बढ़ा तो बेटा मैं और आगे बढ़ा दूंगा। ऑक्सैलिक एसिड, वेरी गुड, बहुत सही है, यहां ऑक्सैलिक एसिड बनता है, एनसीईआरटी का डर ही खत्म कर देते हैं, चलिए नेक्स्ट। तो ऑक्सैलिक एसिड होता है, उसके अलावा आपको पता है कि H2SO4 सामने में क्या होगा SO2 और H2O, खुद क्या करता है सामने वाले को ऑक्सीडाइज और SO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ये इसकी समरी हो गई, किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है। नेक्स्ट 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 हैलोजन्स, हैलोजन्स में आपको क्या याद रखना है, हैलोजन्स में एनसीईआरटी में जो दिया तो सारी चीज है, हैलोजन्स में अगर मैं आपसे बात कहूं तो बेटा इन चीजों को मत भूल के जाना, बस चार चीजें आपको याद रखनी है हैलोजन्स में, पहला शेप्स, मतलब जैसे आई एफ सेवन दिया हुआ है तो आई थ्री माइनस दिया हुआ है तो ठीक है इनकी शेप्स, या सी एल टू ओ सेवन, दूसरा प्रिपरेशन किसकी, क्लोरीन की, डीकन मेथड, उसके अलावा जैसे ये दिया हुआ है कार्नलाइट, आपका अगर कभी सवाल आया तो कार्नलाइट ही पूछेगा, एनटी में सवाल आया तो कार्नलाइट ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये फिर से वही बात आ गई और इसी से सवाल बना था आपका, आपसे क्या कहता है यहां पर हमारे पास में क्या बात आती है, ये देखिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और बॉन्ड डिसोसिएशन, और आपको पता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं यहां पर ये देखिए, तो बॉन्ड डिसोसिएशन किसका, Cl2 का ज्यादा अच्छा होता है Br2 से, फिर F2 फिर I2, दैट्स इट, ये टिप्सों पे होना चाहिए आपके, ये हमेशा टिप्सों पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जानते हैं, सब जानते हैं, मुझे कुछ कराने की जरूरत नहीं है, कुछ कराने की जरूरत नहीं है, चलिए बस देखिए इनके कलर F2 येलो, Cl2 ग्रीनिश येलो, Br2 रेड, आयोडीन वायलेट, ये बस यहां पर ये इंपॉर्टेंट है,
उसके अलावा देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ इन्हें छोड़िए छोड़िए छोड़िए, तो उसका रीज़न ये है, ये रही मेरे पास में बुक यहाँ पर, मैंने जो मेहनत आपको करनी थी वो मेहनत मैंने यहाँ पर कर ली है, ये मैंने आपकी मेहनत, जैसे आपकी फ्लोराइड फ्लोराइड ये कहाँ से बनते हैं, कार्नलाइट, उस वाले को करना है, अक्रेंस जरूर करनी है, अक्रेंस जरूर करनी है, फ्लोरीन इज प्रेजेंट मेनली इन फ्लोराइड CF2 और क्लोराइड, ये इस तरह से, उसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, उसके अलावा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे की ओर चलेंगे अब हम लोग, अब आपको आगे की ओर बताते हैं, चलिए 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 चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे बच्चे सब जानते हैं सब ये वाली बात। फ्लोरीन एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजर है, फ्लोरीन एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजर है, तो सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, कैसे, अगर F2 लिखा है और कहीं पर NaCl लिखा है तो क्या काम करेगा, Cl2 को निकाल देगा और NaF आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सब बातें मैंने अपनी NCERT, मतलब जो बच्चे 12th में हैं उनकी NCERT के लिए भी मैंने ये चीज़ें करा रखी हैं NCERT में, ठीक है। मेरी जो बुक है NCERT बाय दुष्यंत कुमार, मेरी बहुत सारी बुक्स आती हैं विद वीडियो लेक्चर्स, मतलब बुक होती हैं सामने 100% मैचिंग वाली वीडियोज़ होती हैं, मतलब बुक खोलिए और सामने वीडियो देखिए, 100% मैच है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 100% मैचिंग वाले नोट्स, सामने वीडियो बुक, तो ऐसी एक NCERT 12th वाले बच्चों के लिए, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें मैंने रखी है, जिससे JEE हो जाए, सब हो जाए, ऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर, ऑर्गेनिक फॉर आपका इनऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर, फिजिकल फॉर डॉक्टर्स, ऑर्गेनिक इन माई पॉकेट, ऐसे करके, तो बच्चे उससे बहुत ज़्यादा सेलेक्ट होते, पुराने बच्चे तो उसी से सेलेक्ट होते थे, सामने वीडियो बुक खोली सवाल कर लिए। चलिए अभी ये समय नहीं है, आगे की ओर बात करने, मेरे बच्चों का समय है भाई, I-H+ हो गया I2। ये सेगमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में ऐसे रखे आते हैं, जैसे फ्लोरीन वाटर के साथ क्या बनाता है, तो ये चीज देगा आपका, ये X2, ये हमारे पास में इस तरह से क्या क्या देता है, अब क्या दे रहा है, ये हमारे पास में Cl और Br होना चाहिए, फ्लोरीन इस काम को नहीं करता, बस ये हमारे पास में हमें याद रखनी है। अब नेक्स्ट, इसमें कुछ नहीं, अब नो बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी, बस अब क्या आता है आपका, क्या आया था भाई पिछली बार, पिछली बार ये आया था बेटा, ये रहा, ये देखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन ऑर्डर, डिसोसिएशन एंथैल्पी डायरेक्ट, एसिडिक करेक्टर, नीचे की ओर जाने पर, अभी बताया था, नीचे की ओर जाने पर एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, नीचे की ओर जाने पर रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ता है, ये दोनों हमारी यहां से क्लियर हो गई, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट HF, HCl, HBr, HI, देखो आपका क्या हो रहा है, यहां गड़बड़ आ गया, देखो मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना, आप सबके दो दो तीन बार एक दिन में जरूर कर लो, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई आता रहता है, कोई ना कोई आता रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रोकिए, ये एक अच्छा सवाल है कि आपके पास में OF2 और O2F2 बनता है, इसमें NCERT में से हमें केवल यही चीज उठानी है, OF2 और F2O2 बनता है, ठीक है। अब हमारे पास में इसके नीचे कोई बड़ी बात नहीं है, क्लोरीन के कौन कौन से ऑक्साइड बनते हैं वो यहाँ पर हमें दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, देखो ये इसको करके जाना आपको, Cl2 इज यूज एज ब्लीचिंग एजेंट, बस ठीक है, ब्रोमीन के ऑक्साइड, मतलब ये वाले पोर्शन को एक बार आप देख लीजिएगा, कौन से वाले को, ऑक्साइड वाले को, 201 पेज है, कौन सा पेज है बेटा, 201 पेज को आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, मैंने यहां मार्क कर रखे हैं सब, ये मैंने यहां मार्क्स कर रखे हैं, आप चिंता मत करिए, मैंने यहीं से देख देख के ही आपको ये सब बता रहा हूं। अब आगे की ओर आपके पास में ये चार पेज इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा पी ब्लॉक का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाना, ये रहे, ये देखिए, ये रहा, ये बस, ये इतना, मैं सबको नहीं कराया, आपको देखिए यहां इंपॉर्टेंट है, हैलोजन्स में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है, जिनकी शेप्स और हाइब्रिडाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, उनमें लोन पेयर निकालना, शेप निकालना, ये सब बस। अब आपको क्या करना है, जो क्लोरीन है, क्लोरीन की लैब मेथड, ये डीकन प्रोसेस, डीकन प्रोसेस, MnO2HCl, MnCl2+Cl2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साहब, डीकन प्रोसेस लिखकर कहेगा कि डीकन प्रोसेस में किसको यूज करते हैं, कैसे बनता है, और MnO2HCl से क्या मिलता है, ये हमारे पास में चांसेस बहुत ज्यादा है कि 2020 में इनमें से कोई आ जाए, कोई आ जाए, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये आराम से आप कर लेते हो, इस पर टेंशन मत लेना, ये भी आप जानते हो, ये भी जानते हो, Cl ने क्या करा, इसे ऑक्सीडाइज कर दिया, और इस वाले में ये इंपॉर्टेंट है, कार्बन निकाल देना यहां से, ठीक है। ये आपकी लास्ट ईयर आई थी
NaOHCl के साथ रिएक्ट करके NaCl NaClO करता है, हॉट कंडीशन में NaClO3 करता है, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर बढ़िए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर मेरे पास में COH ओल्ड ट्वाइस है तो इस जगह पर CaClO ओल्ड ट्वाइस इस तरह से बन जाता है और दूसरा CaCl2, ठीक है CaCl2। अब आपसे पूछता है ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो दिस इज द रियल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, क्या दिस प्लस COH ओल्ड ट्वाइस, मतलब ये भी मिक्सचर में होता है, ये भी होता है, ये होता है, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। इस ब्लीचिंग पाउडर के अंदर होता है एक अवेलेबल क्लोरीन, क्या होता है अवेलेबल क्लोरीन, ठीक है भाई साहब, बड़ा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, एनिमेशन नहीं दिखा रहे, दुष्यंत सर कुछ एनिमेशन दिखाइए, कुछ मजेदारी करिए, कोई गाना वाना हो जाए, नहीं भैया बोरिंग रहेगा, ये आपका बोरिंग रहेगा, क्यों बोरिंग रहेगा सर, बोरिंग बेटा इसलिए रहेगा क्योंकि एनसीईआरटी चल रही है, एनसीईआरटी में मार्किंग चल रही है, इसको एंटरटेनमेंट नहीं, इस समय केवल और केवल फोकस रखना है, मैं इधर उधर की बातें भी नहीं कर रहा, ना मोटिवेशन ना इधर उधर, केवल फोकस रखना है। कितने सारे पेज, कितने पेज निकाल दिए आपके, देखो तो सही, अभी बता रहा कितने पेज आपके सॉल्व करा दिए मैंने तब से, ये देखिए FeSO4H2SOCl2 क्या करेगा ऑक्सीडाइज Cl2 इसको, अब इसमें ये वाली रिएक्शन जो है ये, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज Na2SO3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Na2SO4 बना देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडीन की ऑक्सीडेशन से हमेशा क्या मिलता है HiO3, ये आप अच्छे से जानते हो, Cl2 प्लस, ये ब्लीचिंग परमानेंट एग्जाम में आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा। ओजोन का आपके पास में क्या पूछा था, ब्लीचिंग करता है, बिल्कुल करता है, ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग करता है, बिल्कुल करता है, आपसे कहेगा क्लोरीन किस तरह का ब्लीचिंग करता है, आप कहोगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के साथ और परमानेंट करता है, 203 पेज हम लोग कर चुके हैं, ठीक है नेक्स्ट रोक दीजिए, ये रहे इनके कुछ नाम, ये नाम पूछने को सवाल आ जाते हैं, जैसे मस्टर्ड गैस, ये बहुत कम लिखा मिलेगा लेकिन ये कम से कम 4 से 5 बार एग्जाम में आया हुआ है, एम्स वगैरह में, बीएचयू वगैरह में, मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला ClCH2CH2SCH2BH2Cl, जैसे जहां समरी लिखी होती है वहां से ये वाला फॉर्मूला भी आया था, Br3 आपके पास में O8, ये ऐसे करके बना हुआ ऑक्सीडेशन वाले में, ये ऐसे करके सीधे सीधे आ गया था क्वेश्चन, सीधे सीधे आपका क्वेश्चन आ गया था, इस तरह से क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, Cl2 with NaCl3, ये सब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, इवन ये भी पूछ सकता है कि ClO- अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, Cl- और ClO3-, दैट्स इट। चलिए ठीक है, चलिए 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 खत्म करिए, अरे बच्चे जानते हैं मेरे वाले सब, रुक जाइए। अब ये भैया सवाल एक साल ही देखा गया है एक्वारीगा के, उसमें अब आप मुझे बताइए, ये रहा वन पार्ट हमारे पास में क्या होता है HNO3 और थ्री पार्ट क्या होता है HCl, थ्री पार्ट HCl वन पार्ट HNO3, ये इंपॉर्टेंट है एक्वारीगा, ठीक। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, ये रिएक्शंस डायरेक्ट होने वाली रिएक्शन, ये रिएक्शन डायरेक्ट होने वाली रिएक्शन, नेक्स्ट सही। यहां पर एक इंपॉर्टेंट टेबल है हमारे पास में, दिस इंपॉर्टेंट टेबल इंडिकेट, हमसे पूछता है कौन सा एसिड नहीं होता, तो HOF, ये HOFO ये सब नहीं होते, ये नहीं होते, लेकिन ध्यान रखेंगे इन दो में भी ये एसिड नहीं होते हैं, इन दो में भी, सर इसको तो कोई भी बता दे, हाँ एनसीईआरटी को कोई भी कहीं से पढ़ा दे, मैं बेटा वो चीजें पढ़ा रहा हूं जो मैंने क्या करा, मैंने लास्ट 10 दिन आपकी सारी 30 ईयर पढ़े, अभी कराऊंगा आपसे, यू उड़ाओगे यू, लास्ट 10 दिन तक 30 ईयर्स प्रीवियस ईयर पढ़े एनसीईआरटी का, कहां से गया था, तो 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, तो मैं अगर आपको कह रहा हूं ये छोड़ दो ये आ जाएगा, ये छोड़ दो वो छा जाएगा, वो इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि कहां कहां से आए वो इंचार्ज है, नेक्स्ट, और जो पढ़ाया वो तो पढ़ाया है। ये रहे इनके स्ट्रक्चर्स, कोई बहुत मायने नहीं रखते, Cl2O7 का स्ट्रक्चर मायने रखता है या उस तरह के, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ये जरूर करके जाएंगे, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में क्या चीजें करेंगे, दो बातें, पहली चीज हाइब्रिडाइजेशन, दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास में क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी शेप, लोन पेयर, और थर्ड क्या है, रिएक्टिविटी, ये सब दी हुई है रिएक्टिविटी, दैट्स इट, इसी के ऊपर सवाल आपके आए हुए, ये लिखे हुए यहां पे बने हुए, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए इस टेबल में इनको एक बार देख लीजिएगा, देखना पड़ेगा सर, ये रटा दो करा दो, नहीं देखना पड़ेगा भाई, आगे चलो, मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहूंगा इसमें, बस
मेरे पास में दिया हुआ है ICl3 प्लस H2O, बताइए क्या बनता है? कम ऑन, देखते हैं कितने बच्चों को आता है ICl3 प्लस H2O क्या बनता है, जल्दी बताइए। और सेशन बढ़िया लग रहा हो तो लाइक इट यार, बहुत मेहनत करी है। अब बिहाइंड द सीन अभी बात करेंगे, 9 बजे तक क्लास है, 9 o'clock, 9 बजे तक क्लास खत्म, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा 9 बजे तक। अभी 15 मिनट क्लास और है, 15 मिनट क्लास और है, सेशन बढ़िया। पीडीएफ सारे मिलेंगे आपको, आपको 3 PDF मिलेंगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स ये मिलेंगे, जेई और नीट के प्रीवियस ईयर। और आपको क्या मिलेंगे, NCERT ये पढ़ाई दिया आपको, ठीक है। और आपको क्या मिलेंगे, अदर एंड नोट्स। तो ये चीजें जरूर आप यहां पर लिंक जो नीचे दिया वहां से डाउनलोड कर लेना, या तो नीचे जो लिंक आपको दिया हुआ है वहां से डाउनलोड करना आपको एक तो, ठीक है। दूसरा टेलीग्राम से आपको डाउनलोड कर ले लेना हमारा। तीसरी बात, अगला सेशन जब मेरा इनऑर्गेनिक के बाद होगा वो ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक एक ही शॉट में खत्म करूंगा, चाहे 2 घंटे या 3 घंटे, क्या क्या नेम रिएक्शन आती, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, मतलब जहां से 5 सवाल आते हैं। इस बार तो जेई में भरे पड़े थे, नीट में भी 5-5 सवाल, जेई में तो जबकि 25 क्वेश्चन होते हैं तब भी इतने सवाल आए, नीट में तो उससे ज्यादा आएंगे, 45 है। वहां से आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, वहां से आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उसको भी मुझे अभी आपको कराना है। और एक जो आपके पेरेंट्स से बात करनी है कि मेरे बालकों को मतलब तुम्हें कुछ भी ना कहें, वो बात कल 9 बजे जरूर करूंगा, 9 बजे जरूर उनसे बात करनी मुझे। ICl3 प्लस H2O क्या बनेगा भाई, HCl, ये +3 स्टेज में है, ये -1 है, तो -1 वाला तो -1 रहेगा, ये +3 में जाएगा तो क्या बनेगा, HiO2, दैट्स इट, HiO2, ठीक है। कितने बच्चों ने बताया HiO3 नहीं बनेगा, गड़बड़ क्यों कर रहे हो, खूब पढ़ाया मैंने आपको, अरे भाई क्या कर रहे हो, HiO2, अमनदीप भरद्वाज ने सही बनाया है, अमनदीप सब भूल गए, टेंशन में भूल गए, चलो अभी सिखा देता हूं। रोमी यादव ने सही बनाया है, क्या कर रहे हो, बस यहां घूमने फिरने आए हो क्या, क्या बताया था आपको, क्या बताया था याद है, मैंने ये बताया था कि बेटा जैसे PCl5 है पानी डाल दीजिए, ये वाले मेरे लेक्चर क्यों भूल रहे हो आप। इनऑर्गेनिक, अगर आपको मुझे इनऑर्गेनिक मैकेनिक्स समझ नहीं ना मेरी, एक तो आज वाले नोट्स देख लेना, उनमें सब में ये पढ़ा रखा, आज के नोट्स में छोड़ देना फिर तो आप। और एक इनऑर्गेनिक ब्लास्ट करके मैंने पढ़ा रखा, क्या इनऑर्गेनिक ब्लास्ट, सर्च कर लेना आप इनऑर्गेनिक ब्लास्ट, सारे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं। ये मेरे पास में क्या है, +5 स्टेज है, और ये कौन सा, -1, तो ये क्या बनेगा, HCl, ये +5 स्टेज ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, सीख जाओगे, ये +5 होगा आपका। IF7 अगर है और H2O डल गया तो F कौन सी स्टेज में, -1, तो क्या बनेगा, HF, और I कौन सी स्टेज में, +7, तो क्या बनेगा, HiO4, +7 -1, +7 -1, तो जो स्टेज यहां है उसी का एसिड बन जाता है, ठीक है, भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब ये रहा जैसे, ये कोई वेंटर हैलोजन है, ये रहा, एक को ऑक्सीडाइज और एक को इस तरह से, ठीक है। अब ये BrF3 की शेप के लिए इतना बड़ा पेज खराब करा है NCERT वालों ने, इतना बड़ा पेज खराब करा, तो इसका मतलब बहुत कुछ लॉजिक होगा, ये अगर उन्होंने बनाया है तो इस पर बहुत सारे सवाल पूछ सकता है आपसे, कोई भी सवाल पूछ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये आपका कोई नौटंकी नहीं है, अब आ जाएगा आपका नोबल गैस। नोबल गैस में 3 सवाल बनते हैं, पहला सवाल XeO3 या XeF6 या XeOF4, इनकी हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, ठीक है, और यूज, ये मेन 3 सवाल बनते हैं। उसके अलावा आपके पास में जो बनते हैं वो हमारे पास में क्या है, ये रहा, ये प्रॉपर्टीज, बड़े आराम से आप इनकी प्रॉपर्टीज देख सकते हो, ठीक है, बहुत आसान है, ना एटॉमिक स्ट्रक्चर देखना, ना एटॉमिक मास देखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एनर्जी, कुछ नहीं देखना,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये वाले कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सारे रुकिए, सारे के सारे यूज करे जाते हैं किसके लिए? इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। ये रहा हमारे पास में फॉर्मेशंस, ठीक है। O2 प्लस Fe, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला O2 प्लस। ये इस तरह से आया हुआ था सवाल, O2 PT F, ये JEE का सवाल था, और S2O2 और आपका लिखा हुआ था KO2। इन तीनों के अंदर हमसे पूछा था ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बताइए, तो कुछ भी नहीं है। अगर ये मैं इसके बारे में नहीं भी जानता तो मैं क्या मानता, लेफ्ट वाला लेगा पॉजिटिव और राइट वाला लेगा नेगेटिव, राइट वाला क्या लेगा नेगेटिव, राइट वाला क्या लेगा नेगेटिव। तो इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, बस बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी आपकी। लेफ्ट में हमेशा पॉजिटिव है, राइट में नेगेटिव है, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे अगर आप ये नहीं भी जानते तो भी, इसलिए मैंने आपको बीच में बताया, ठीक है। अब ये जैसे हमारे पास में ओनली डाइफ्लोरो के आर एफ टू हैज बीन द स्टडीज इन द डिटेल, दैट्स इट, ओनली एक ही बनता है। चलिए फटाफट 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 जल्दी जल्दी, ये इसकी केमिकल रिएक्शंस हैं, इनमें से कोई भी आई आप कर लेते हो बहुत आराम से, मुझे पता है आप जानते हो, खूब पढ़ रखी है आपने। ये रही इनकी शेप्स, इनमें से सवाल बनेगा। एक मेन रिएक्शन हमारे पास में ये होती है HCF6, ये आपकी तीन तरह के देती है SF से। अगर ये एक्सेस में है तो जो स्टेज यहाँ है कितनी है प्लस सिक्स, यहाँ भी प्लस सिक्स बन जाती है, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय ये कई सारे प्रोडक्ट देता है, कौन HCF6। चलिए ये रुकिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको पहली बार ये कहूंगा, अब तक मैंने आज तक आपसे नहीं कहा नोटेड, क्या नोटेड बेटा, इसने कहा द स्ट्रक्चर्स, ये द स्ट्रक्चर्स। हम लोग क्या बोलते हैं, जो शेप है, ठीक है, शेप हमारे पास में जो हुआ करती है विदाउट लोन पेयर होती है, कैसे होती है विदाउट विदाउट लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर हमारे पास में क्या होती है शेप हुआ करती है, ये चीज ध्यान रखेंगे। विद लोन पेयर हमारे पास में ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री होती है, ठीक है। जैसे NS3 जो है मेरे पास में, NS3 जो है और H2O है, तो H2O की शेप बताइए, फटाफट बताइए बेटा, H2O की शेप बताओ और H2O की ज्योमेट्री बताओ। चलिए बताइए H2O की शेप और ज्योमेट्री बताओ फटाफट। H2O की शेप एंड ज्योमेट्री जल्दी से बताइए, H2O की शेप क्या है वो बताइए, H2O की ज्योमेट्री क्या है वो बताइए, फटाफट बताइए। जल्दी बताइए भाई जल्दी बताइए, फिर मुझे एक लेक्चर और ख़त्म करना है आपका, बहुत जल्दी से मेन मेन बातें बतानी है।
बेंट टेट्राहेड्रल ये क्या है? नहीं 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 नहीं, चलिए कोई नहीं, ठीक है ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं कर रहा। शेप होती वी शेप, वी शेप्ड होती है इसकी, ऐसे करके शेप होगी विदाउट लोन पेयर। जैसे NH3 है, NH3 की कल को आपसे कोई शेप पूछेगा तो शेप कैसी है उसकी? पिरामिडल शेप इज पिरामिडल, ठीक है, पिरामिडल शेप है इसकी। लेकिन इसके लोन पेयर को कंसिडर करते ज्योमेट्री जैसी होगी तो क्या होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऐसी ऑक्सीजन जैसी कंसिडर हो जाएगा तो ये भी ज्योमेट्री में कैसा होगा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और वी शेप्ड, दैट्स इट। चलिए तो ये हो गई कहानी खत्म, इन सबको एक बार आप देख लेंगे, खत्म 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 इसमें हमारे पास में। चलिए वापस आते हैं, अब थोड़ी देर में आपको बताएंगे इस ग्रुप को खत्म, ये हमारा खत्म हो गया। तो पी ब्लॉक 12th वाला हमारा खत्म हुआ, पी ब्लॉक 11th वाला मैं 5 मिनट में आपका खत्म कर रहा हूँ क्योंकि आपने मैक्सिमम चीजें उसमें से जानते हैं। पी ब्लॉक 11th वाला मैं 5 मिनट में आपका खत्म कर रहा हूँ, मैक्सिमम चीजें जानते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस भी उसके बाद कराऊंगा बेटा, मतलब मेरे साथ 10 से 15 मिनट आप और रुके रहिए, 10-12 मिनट, फिर मैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर दूंगा कि जेई में आए हुए जितने भी सवाल हैं, जितने भी जेई में, मतलब जेई की बात कर रहा हूं मैं, नीट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं नीट की बात ही नहीं कर रहा हूं, जेई की बात कर रहा हूं, 19 के आपके सबके आए, वो सारे सवाल मैं आपको रियलाइज करा दूंगा कि देखिए कैसे करके क्वेश्चन आते हैं और कैसे करके क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलिए वापस खत्म कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, वापस आ जाइए। ये तो क्वेश्चंस हैं, ऊपर होगा NCERT में। ओके पी ब्लॉक 1 कौन सा है? ये चलिए नीचे नीचे नीचे, चलिए रोकिए। बताइए बेटा हाउ वाज द सेशन, सेशन कैसा लगा आप लोगों को? सेशन कैसा लगा, सेशन कैसा लगा? अगले 10 मिनट और, ये लगभग 5000 लाइक हो चुके हैं, आई नीड दिस 5000 एग्जैक्ट 5000, ठीक है। अब आप थोड़ी सी देर में, अब आप थोड़ी सी देर में देखिए बिहाइंड द सीन आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, निकल दें, कैसा सेशन कैसा लगा बेटा? अगर आपको अच्छा लगता है मैं आपको बताता हूं, ये रही गिलोय। एक्चुअल में कल से मुझे ये लग रहा था कि मैंने ये NCERT कथा बोल दी है, पता नहीं कौन सी चीज़ मेरे को ये देखना चाह रही है कि मैं करूँगा या नहीं करूँगा। फीवर आ गया यार कल से ही खतरनाक तरीके से, ये आधी एक ग्लोए गनबट्टी करके आधी निपटा दी, 4 गोली 1 घंटे पे, 4 मतलब इतनी नहीं खानी चाहिए, 2 घंटे पे 4, फिर 4 करके निपटा डाली, देसी है फीवर होने के लिए, तो निपटा दिया। लेकिन क्या करा, कर दिया AC बंद कर रखा, पूरा पसीना आ रहा, आधा फीवर तो ऐसे करके पसीने में ही उड़ गया, ठीक है। तो उस समय शाम को मुझे ये लग रहा था, कुछ समझ में से नहीं आ रहा था, मैंने कहा लेकिन क्या हुआ तुमसे जैसे ही मिला ना तो सब समझ में आने लगा, मतलब वो क्या कौन सा गाना, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी, हाँ वही वाला गाना कुछ याद आता, मतलब जब आपसे मिला तो मैंने कहा मेरे बालक हैं, अब बाढ़ में जाए देखा जाएगा। तो मैंने इन लोगों को अंदर इसलिए उठा रखा था, मैंने कहा मेरी गाड़ी जब तक चले ठीक है, जैसी गाड़ी बिकड़े इधर एक कुर्सी लगा देना और जिद्दी कितना बड़ा हूँ देखो, तुमने देख लिया, 1 मिनट को नहीं हटा, ना पानी पिया ना सब कुछ है, तो जिद्द होनी चाहिए यार, क्या बात कर रहे हो, ठीक है, जिद्द होनी चाहिए, जिद्द तो कुछ भी करा देती है, जिद्दी होना चाहिए। अब थोड़ी देर और रुक जाओ, अब जाके भी क्या करोगे, मेरे पास से अगर भाग भी जाओगे तो जाके भी क्या करोगे, खत्म कर लेते हैं 15-20 मिनट में, बोरोन भी खत्म कर लेते हैं, DNF भी खत्म कर लेते हैं, और DNF के बहुत अच्छे नोट्स भी मैंने आपको दिए हुए हैं, DNF के मैंने आपको पहले भी दे दिए, एक दिन इनऑर्गेनिक कराई थी उसमें भी दे दिए थे और इसमें भी दे दूंगा आपको DNF के, ठीक है। चलो 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 अब करते हैं आगे की बात, और ये कोई सिंपैथी पता ही नहीं होते, बॉडी है यार, देखो ये बॉडी है ऐसे,
ठीक है, ये बॉडी है और ये डिब्बी है, इस डिब्बी में मारूंगा कोई दर्द नहीं हो रहा इसे, लेकिन हाथ में मारूंगा दर्द हो रहा है। तो ह्यूमन बॉडी है, इफेक्ट तो पड़ते ही हैं, बुखार जुकाम खांसी वांसी ऐसे वो से प्लस माइनस है, तो सब सबके साथ जूझ करके जिंदगी को आगे बढ़ाना होता है, दैट इज लाइफ यार, वही तो लाइफ होती है। चलो भाई आगे बात करते हैं, तो चले आगे, चलो 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 चलो, ये कैसे होगा, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो अब मैं आपको क्या करा रहा हूं, मैं बहुत बढ़िया वाला सेशन बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली मैंने आपको कराई थी, मैं इस समय पे नाइट्रोजन, मैं आपको नाइट्रोजन से शुरू करा, अब मैं आपको बोरोन और कार्बन एनसीईआरटी वाली करा देता हूं, 10 मिनट में खत्म, क्यों, फिर डीएनएफ, फिर आप खुश रहियो बस, ठीक है। करो करो यार, बच्चे बच्चों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई काम नहीं आएगा, बढ़ो 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 बढ़ो, आगे बढ़ो, रुक जाओ, ये इसमें ना जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात को जरा ध्यान रखना, मतलब 13 वाले में हमारे पास में जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, इस वाले की ग्रुप ये है, इस वाले की ये है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट और जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जल्दी चलो भाई, इस वाले में थोड़ा जल्दी चलना मेरे बालकों के लिए, जल्दी कर रहा हूँ, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है अगर वो यहाँ आए हुए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई रुक जाओ, मैं बुक को खोल लेता हूँ, बुक में मैंने निशान लगाया है, मैं अपने बच्चों को बताऊँगा यहाँ पे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चलो रुक जाओ। देखो बेटा ये हमारे पास में ये इधर की ओर जैसे ये डबल डबल इस तरह के कॉलम बने हुए हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे यहाँ पर है ये कार्बन के मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं, एल्यूमिनियम का ये वाला बनता है, ओनली वाइल बोरोन फॉर्म ओनली अकेला देखे BF4- बनता है, अकेला ही BF4- बनता है, उसके अलावा हमारे पास में बोरोन किसी और को अपने साथ लेकर के एनकरेज नहीं होता है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जैसे BF3 है ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास में कितना होता है SP2, शेप कैसी होती है बेटा प्लेनर, कैसी शेप होती है प्लेनर, ऐसी NH3 है, NH3 हमारे पास में कैसा है, हम अगर यहां बात करेंगे तो ये कैसा है SP3, ये SP3 है, और ये जो SP3 आपके पास में हो रहा है जब ये BF3 से जुड़ेगा इस तरह से ऐसे ये अपना कोऑर्डिनेशन कर देगा, तो दोनों SP3 हो जाएंगे, ध्यान रखना दोनों SP3 हो जाएंगे, मतलब ये NH3 था ये SP2 था, लेकिन जब दोनों कंबाइन हुए तो ये भी SP3 वो भी SP3, जब दोनों SP3 हो जाते हैं तो हमारे पास में जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल हो जाती है, दोनों की टेट्राहेड्रल, अभी क्या है इसकी प्लेनर है इसकी टेट्राहेड्रल है, लेकिन दोनों कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ो, रोक दीजिए, देखिए अब आपसे कहता है हैवियर एलिमेंट ऑफ टू द फॉर्म DPi-PPi बॉन्ड, मतलब फिर से मुझे यहां पर एक बार को यहां निशान लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है निशान लगा लीजिएगा आप इसमें, ये PF4 कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व इन पाई बॉन्डिंग, ये मैंने DPi-PPi आपको पढ़ाया था, DPi-PPi-PPi मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान रखना मैंने पढ़ा रखा आपको ये सारी चीज, ठीक है। तो वो वाली चीज यहां थोड़ी एक्सपेंड करके नहीं दिए, कॉम्पैक्ट दिए, तो उसको आपको अच्छे समझ लेना। अब जो आने के चांसेस है इसमें आपके पास में जो एलिमेंट्स है इसके सबके बारे में बात आती है वो ये आएगी, ये रहा Na3B4 4S2O, ठीक है, और ये 10S2O, ये हमारे पास में क्या बोरेक्स और कार्नाइट, कार्नाइट ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए आपको, ठीक है, कार्नाइट और आपका कौन सा, और ये ऑर्थोबोरिक है S3PO2, हमारे पास में क्या होता है मेटाबोरिक S3PO3 ऑर्थोबोरिक, HBO2 मेटाबोरिक, H2B4O7 टेट्राबोरिक, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलिए, गैलियम कहाँ यूज होता है आप अच्छे तरह से जानते हैं, इसका मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन कितना परसेंट ये वगैरह सब आपको पता चलता है, चलिए मेरे बच्चों को ये चीज पता है, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात मुझे इन्हें समझानी है, चलिए 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 कोई दिक्कत, बस देखिए इसमें हमारे पास में इन दो के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ सकते हैं,
इन दो के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ सकते हैं, इसलिए इन्हें मत भूलिएगा। गैलियम, इंडियम, टैलियम, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछे जा सकते हैं, इस चीज़ को आपको नहीं भूलना है। फिर वही बात है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करके जाना है। यहाँ भी देखिए उसी तरह का ड्रामा है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इनर पेयर इफेक्ट की वजह से नीचे की ओर हमारे पास में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर वाली पसंद की जाती है। ये मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर नहीं ध्यान देना, ये अभी अभी मैंने बताया था, दोनों मिल जाएंगे। चलिए प्लेनर था, टेट्राहेड्रल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखना, ये ब्रिज बॉन्ड नहीं होता है, ये B2S6 में ब्रिज बॉन्ड होता है। ब्रिज बॉन्ड जो होता है वो B2S6 में होता है, इसके अंदर ब्रिज बॉन्ड नहीं होता। ये रहा आपका AlS2O3। ये देखिए अभी अभी मैंने आपको पूछा था, बाई चांस मैंने पूछा था और यहाँ आ गया AlS2O6 का हाइब्रिडाइजेशन SP3D2 और यहाँ पर कितना है SP3 है, यहाँ पर क्या है SP3। अब एक चीज मुझे बताइए, Al प्लस NaOH अगर ये फ्यूज्ड हो गया, फ्यूज्ड तो कौन सा बनेगा, A NaAlO2, B Na3 AlO3, बताइए इनमें से कौन सा बनेगा, जल्दी बताइए इन दोनों में से कौन सा बनेगा, बहुत जल्दी बताइए, 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं, 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कल होगा, कल आपका ऑर्गेनिक कथा होगा, ध्यान रखना कल, और उसके बाद एक चैप्टर केवल कोऑर्डिनेशन का अलग से लेंगे, 5 मिनट में इसे खत्म करेंगे। बताइए इसको, इन दोनों में से कौन बनेगा, NaLO2 Na3, मैं जानना चाह रहा हूं, एग्जाम में आएगा जरूर ये, वेरी गुड, बी बनेगा इसमें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी, कम ऑन, बहुत बढ़िया। फ्यूज तीन तीन बार, ऐसे याद रखेंगे, फ्यूज तीन तीन बार मतलब तीन बार फ्यूज होगा, इस चीज को याद रखे रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, ये जो यहां बॉक्सेस में दे रखे हैं इनको जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट, रोक लीजिए, ये यहां पर रिएक्शन है बोरेक्स की, ये बोरेक्स की रिएक्शन है, दिस शुड बी ऑन टिप्स, ये आपके टिप्सों पे होनी चाहिए, ठीक है। Al2Cl6 वाली ये बात है, ये रिवाइज तो करानी पड़ेगी मुझे थोड़ी सी। चलिए नेक्स्ट, आगे चलिए, बस यहां पर ये सरसरी जितनी भी रिएक्शंस हैं, ये रहा आपका H3BO3 हीट करा, HBO3 फिर हीट करा, B2O3 बन गया। ये आपका क्या करता है, H3BO3 के बारे में बता रखा है, ये OH- को लेता है, H+ को देता है, मतलब ये रिसीवर है OH- का। नेक्स्ट, आप रोकिए, आपकी एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में इस जगह पर क्या है वो मैं अब आपको बता रहा हूं, वो है कि हमारे पास में B2S6 को अगर मैं तोड़ना चाहता हूं, अगर मैं ये तोड़ना चाहता हूं कि B2S6 जो कि हमारे पास में क्या होता है, क्या बोलते हैं इसे तीन चीजें बोलते हैं, 3 center 2 electron bond, बनाना बॉन्ड, किस किस तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, sp3। अब इसको अगर आपको तोड़ना है तो एक बेस की जरूरत होती है, बेस इसे ब्रेक कर देता है। इनमें से अगर ये लुइस बेस अगर आपका CO होगा, ठीक है, कल को हमसे पूछ सकता है, तो ये जल्दी से तोड़ता है। तो इसके बारे में मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं इसके ऊपर तो कोई काम इस समय पर नहीं करने वाला हूं, ठीक है, मैं इसके ऊपर तो आपको कोई चीज नहीं बताने वाला हूं, फटाफट इसको निकाल देते हैं। चलिए ये रहा आपका, इनमें इसके बनाने की मेथड अगर आएगी तो वो ये वाली आएगी, यही वाली आएगी, इसके बाद मैं DNF कराऊंगा आपको 2-3 मिनट में, जल्दी जल्दी करिए भाई, ये वाली मेथड आएगी। ये रहा इसकी शेप, आप बहुत अच्छे से अभी अभी मैंने पढ़ा दिया था आपको, और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, सब पढ़ा है, देखिए लिखा 3 center 2 electron bond, ये सब वर्ड आएंगे। चलिए नेक्स्ट, यूज के बारे में कुछ नहीं आने जा रहा, इतना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलिए बस यहां रोकिएगा, मेरे पास में क्या होता है, इनकी रिएक्टिविटी वगैरह, SiO2 GO इनकी सबकी बात हो रही है, ये खूब पढ़ाए हैं कि आपके पास में क्या क्या हुआ करता है, CO होता है, CO2 होता है और C3O2 होता है, डायमंड के बारे में, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, बताइए डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, जल्दी बताइए मुझे, डायमंड में DNF करा रहा हूं, 2 मिनट बाद DNF करा रहा हूं, डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन बताइए बहुत जल्दी से,
डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन बताइए मुझे। डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन sp3, बहुत बढ़िया, चलिए सही है। जब चलिए इनकी ऑक्सीडेशन नंबर का मैंने बता दिया है, PbO2 इज मोर स्टेबल देन PbSO4, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको, क्यों कैसे खूब पढ़ाया मैंने आपको, आगे बढ़िए, सब पढ़ाए हुए हैं आपको, ठीक है, सब आपको पढ़ाए हुए हैं। अब ये मान करके हम लोग चल रहे, जैसे ये हो गया SiCl4, ठीक है, ये सिलिकॉन बनता है तो आपका क्या चीज बताई हुई है, SiO2 CO2, ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 रखता है, ये sp रखता है, ये याद रखना हमें, ये sp और ये sp2। नेक्स्ट रोकिए, आपसे पूछ लेगा कौन नोन है, ये लाल वाले जितने डब्बे हैं इनको याद करके जाएंगे, लाल डब्बे आपके याद होने चाहिए। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में फ्लोरीन सबसे बेस्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे प्योर। नेक्स्ट, ये आपका क्या हुआ डायमंड, और ये हो गया आपका ग्रेफाइट, इनके स्ट्रक्चर्स की बात सीधे सीधे, इसमें sp3 यहां sp2, इस वाले में हमारे पास में क्या होता है, ये नॉन कंडक्टिव, ये कंडक्टिव, कारण क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इट। नेक्स्ट, चलिए 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 चलिए, फ्लोरीन्स हो गया, ये रुकिए, ये रहा आपका। अब H2SO4 का काम क्या, ये पढ़ाया हुआ है ये भी, कि अगर हमारे पास में कहीं पर ऑक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, H2SO4 डल गया तो क्या होगा, ये OH होगा, ये H होगा, ये CO2 और ये CO, CO प्लस CO2 मिलता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूंगा OH और H, तो क्या मिलेगा, CO और H2O मिलेगा, ठीक है। वाटर गैस के चांसेस हैं इस बार आने के, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस समय पे, प्रोड्यूसर गैस या वाटर गैस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं, ध्यान रखना, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट, ये एक बहुत अच्छा सवाल है ये वाला, कि CO किसको रिड्यूस कर देता है, तो Fe और Zn को रिड्यूस कर देता है, ये अपना क्वेश्चन पक्का वाला क्वेश्चन है, CO किसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात हो गई, दैट्स इट, इसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। अब हम आ जाते हैं D&F, चलिए नेक्स्ट, इनको आप पढ़ लीजिएगा, सिलिकॉन्स सिलिकेट्स, ये सब आपके पुराने आए हुए हैं इसमें, यहां तक कहानी। ये हमारे पास में दो बातें होती है, चेन प्रोपोगेटिंग, ये टर्मिनेटिंग, अगर एक आपके पास में एक हैलोजन है तो टर्मिनेटिंग, और अगर तीन लगे हुए हैं तो प्रोपोगेटिंग। चलिए ठीक, शेप्स हैं ये खूब, बस एक चीज याद रखना, ये एक और आया हुआ सवाल है, ये रहा ये ZSM5, ये ZSM5, और इसकी समरी नहीं बोल करके जानी, समरी नहीं भूल के जानी है, थोड़ी सी है समरी, बस इसको करके जाना आपको, समरी को, समरी नहीं भूलनी, बस खत्म करिए इसको, रोक दीजिए, वापस आ जाइए, DNF कराते हैं बच्चों को, बिहाइंड द सीन DNF, ओके DNF पे अभी आ रहे हैं, उससे पहले वो करा दिखा दीजिए बच्चों को। आर यू रेडी फॉर DNF? DNF के लिए रेडी हैं? DNF के लिए रेडी हैं आप लोग? DNF के नोट्स, जो बढ़िया वाले नोट्स हैं वो भी मैं आपको अवेलेबल करा देता हूं, आपको DNF के बढ़िया वाले नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। कार्तिक को फोन कर लो, बंद कर दो से, DNF पे आ जाइए आप। चलिए रेडी फॉर DNF, 10 मिनट में खत्म करें। चलिए DNF के बहुत इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स 10 मिनट में खत्म करते हैं साहब। यस DNF, ये रहा DNF की NCERT,
और मैं इधर बोल देता हूँ डीएनएफ के नोट्स, डीएनएफ के नोट्स अनुरूप को बोलना डीएनएफ के जो थोड़े दिन पहले निकाले थे वो वाले नोट्स हैं, ठीक है ना, डीएनएफ के नोट्स और क्वेश्चंस उनके मोबाइल में पड़े हुए हैं, मेरे को तो देखने में बहुत टाइम लगा, मैं बच्चों को इतनी देर पढ़ा दे रहा हूँ। चलिए भाई लेट्स स्टार्ट, चलिए 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 चलिए, अब आपको क्या क्या करना है डीएनएफ में, चलिए आगे की ओर चलिए 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 चलिए। देखिए डीएनएफ में हमारे पास में एनसीईआरटी से जो चीज़ें आएंगी वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। डीएनएफ में मैंने जो नोट्स बनाए हैं, मैंने आपको टाइप करके नोट्स बनाए हैं की पॉइंट्स के थ्रू, वो आपको जरूर करके जाने हैं, वो आपको करके जरूर जाने हैं, ठीक है। डीएनएफ के मैंने आपको नोट्स बनाए हैं की पॉइंट्स के, वो आपको करके जरूर जाने हैं, वो आपको पीडीएफ में आपके पास में आ जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है, वो आपको पीडीएफ में आ जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, मतलब डीएनएफ के की पॉइंटर नोट्स जो हैं वो जरूर आपको ध्यान रखने हैं। चलो चलिए, तो आपको क्या करना है इसमें 3D 4D 5D के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। अब देखो जिंक कैडमियम और मरकरी, तो याद रखने की बात क्या है, ऐसे करके GCM बस, ठीक है, GCM या जिंक कैडमियम मरकरी ऐसे भी याद रख सकते हो, GCM मतलब ये फुल भरे होते हैं। नेक्स्ट, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें अब आपको बताऊंगा इसमें, नहीं और भी होगा DNF, नहीं ये तो चैप्टर उस पर नेट पे डाल दो NCERT DNF वहाँ से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दो मिनट रुक जाओ बेटा, दो मिनट रुक जाओ, बस हो गई अनुरूप से बात कर रहा हूँ। कल ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, आपकी ऑर्गेनिक कथा शुरू करेंगे बेटा, याद रखना ऑर्गेनिक कथा आपकी रहेगी, ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने खूब पढ़ाई आपको, एसिडिक करेक्टर बेसिक करेक्टर्स खूब पढ़ाए हैं, इफेक्ट्स खूब पढ़ाए हैं, सारी चीज़ आपको खूब करा रखी है मैंने, लेकिन ऑर्गेनिक आपके यहाँ पर जो नीट में मैंने देखा है इफेक्ट से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, इफेक्ट से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, इफेक्ट से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा आपके जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी के आते हैं, ऑर्गेनिक के डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस, बायोमोलिक्यूल पॉलीमर ये सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा डीएनएफ, ये आपको याद रखना है, देखिए ये आपको याद रखना है कैसे कि हमारे पास में ये क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे सेकेंड सीरीज थर्ड सीरीज ये सब कुछ सीरीज हैं, इनमें यहाँ वालों के ऊपर बहुत काम है, यहाँ इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने नोट्स दे रखे हैं वहाँ पर मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबके दे रखे हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने सभी के दे रखे हैं, इनका रेडियस LAHFT ये इनका रेडियस का ऑर्डर जरूर आता है, इनके रेडियस का ऑर्डर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हमारे पास में आया करती हैं, ठीक है, रेडियस का ऑर्डर इसका ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट कम ऑन, प्रीवियस ईयर जितने भी देखिए आगे बढ़िए, अगर आप DNF के प्रीवियस ईयर कर लेते हैं ट्रस्ट मी एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं आने वाला, कभी कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं बनता है DNF का, प्रीवियस ईयर से बनता है, लास्ट 15 साल का आप क्वेश्चन कर लीजिए उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। ये जो आपके पास में नीचे ऊपर ये जो हमारे पास में इस जगह पर है ये आपको याद रखनी है, ये कौन सा मेल्टिंग पॉइंट, पहले हमारा इंक्रीज हो रहा है ये भूलना नहीं है भाई, CRMN का सबसे इधर कम हुआ ऐसे करके, फिर FE COPD और ये सी ऐसे करके, ये आपको टिप्सों पर करके जाना है NICU का, ये आपको क्या करना है टिप्सों पर करके जाना है, ये सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है, इनका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता है, सबसे ज्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आता है इनके मेल्टिंग पॉइंट का, तो ये आपको टिप्सों पर करना है, ये एक बार को नहीं होगा, टंगस्टम का सबसे ज्यादा होता है ये सबको पता है यूनिवर्सल, ठीक है, यहां पर कोई अंतर नहीं है, देखिए ऐसे करके क्या हो रहा है बढ़ रहा है टंगस्टम तक और फिर उसके बाद क्या हो रहा है घट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे क्या हुआ ऐसे MB मोलिब्डेनम तक बढ़ा फिर यहां जंप मारा फिर ऐसे हुआ फिर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें हमेशा बढ़ता है और घटता है, यहां पर ये जो है इस तरह का ड्रामा
इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके जो मेल्टिंग पॉइंट के अगर आएंगे, हीट ऑफ एटमाइजेशन के अगर आएंगे, तो वो आएंगे यहां से 3D सीरीज से। किससे आएंगे भाई? 3D सीरीज से। अमित एक काम करिए, लिंक पे और किस पे, टेलीग्राम लिंक, इसी वीडियो के नीचे लिंक और टेलीग्राम दोनों पे आप सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, DNF के, पी ब्लॉक के, JEE और NEET की पुरानी प्रॉब्लम, एवरीथिंग वो डलवा दो, फिर इनको मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, रोकिए इधर रोकिए, अब देखो ये रहा डेल्टा हीट ऑफ एटमाइजेशन, सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज जो वहां पे था वो यही चीज तो थी, ये गया ये गया ये गया, जंप हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, ये यहां से यूं यहां पहुंच गया। इसको आपको याद रखना है, इसको भी आपको याद रखना है, सीरीज लिख रखा 1 2 3 करके, ये आपकी जंप इसकी। ये मैंने जो नोट्स दिए आपको DNF के, उसमें बहुत अच्छे बने हुए, उसमें बहुत अच्छे बनाए मैंने। चलिए नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन तो मैंने खूब पढ़ाई है इसकी। चलिए ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट, ये ऐसे 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 घटा CU तक और ये बढ़ा, ये आपको ना ये चीजें याद रखनी, और इसमें तो सीधे ऐसे ये देखिए, ये आपको एक बार पढ़ लेनी है। चलिए नेक्स्ट, अब रुको मैं आपको एक बहुत अच्छा नेक्स्ट, बस देखो आपका जो ये 25 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर है, ये 25 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा आपका CR के लिए और ये रहा MN के लिए, ये MN के लिए, ये CR के लिए, ये CR MN के लिए, मतलब जो इस तरह से नीचे की ओर चलेंगे ये तो 3D है, जब 4D चलेंगे या 5D चलेंगे वहां पे आपको इनको याद रखे रहना कि ये क्या चीज है, ये उनके लिए भी गड़बड़ हो रही है। कैसे, अभी आते हैं। चलिए आयनेशन एंथैल्पीज कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए 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 ऊपर चलिए, बस अब यहां से आता है आयनेशन एंथैल्पी का, ये द वैल्यू ऑफ CR इज लोअर बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ चेंज इन द, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं DNF में, ये याद रखना। नेक्स्ट DNF एक बार और कराऊंगा मैं आपको, ध्यान रखना इस चीज को, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, MN की, ये बारे में पूछा जाता है आपसे। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं मेरे नोट्स देखिएगा, पॉइंटर्स में आपको बहुत शानदार नोट्स मिलेंगे, वहां पे काम हो जाएगा, NCERT में वो बात नहीं है। चलिए NCERT में मैं केवल मार्किंग कर रहा हूं, मैं आपको आज DNF पढ़ा नहीं रहा हूं, मेरी एक वीडियो पड़ी है DNF बाय दुष्यंत कुमार, अभी लॉकडाउन में करी थी मैंने जुलाई में, बहुत अच्छी वीडियो है, घर पे ही करी थी, बहुत अच्छी वीडियो बनाई मैंने, उसको ढूंढ सकते DNF बाय दुष्यंत का, लेकिन NCERT में इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट, ये हमारे पास में हीट ऑफ एटमाइजेशन आयनाइजेशन प्लस टू, ये एक नजर भर देखना है। नेक्स्ट CR की मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से हैलाइड्स की बात बता रखी है, MN के बारे में बता रखा है, इसको देखना, टेबल्स देखने। चलिए अब सवाल जो रिएक्शन बेस है, Cu+2 वैसे हमारे पास में प्रोपोर्शनेट होता है किसमें, Cu में और Cu++ में, दो में प्रोपोर्शनेट हो जाता है, दो में हमारे पास में क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनेट। अब यहां पर जो Cu+2 है, Cu+2 की समस्या यह है, जैसे KCN हो गया, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, तो क्या होता है CuCN वोल्ट वाइज +2 स्टेज है, थोड़ी देर में क्या होता है ये फिर से KCN से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा K3CuCN4, दैट्स इट। क्या करता है ये, +2 से +1 स्टेज में आता है। तो सर DNF के कौन से सवाल आते हैं, DNF के दो आते हैं, एक तो प्रॉपर्टी बेस और एक रिएक्शन बेस, रिएक्शन बेस सवाल मैंने आपको सारे करा रखे हैं, सारे ही करा रखे हैं, ठीक है सारे ही करा रखे हैं। तो आपका देखिए ये रहा Cu+2, +2 और Cu में कन्वर्ट होता है, Cu+2 I- जैसे KI वगैरह से, तो थोड़ी देर में क्या होगा Cu2I2 और I2, मतलब पहले तो ये Cu I2 ही बनता है लेकिन थोड़ी देर में ये Cu2I2 प्लस I2 बन जाता है, दैट्स इट, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर ये ऑक्साइड्स के कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, ब्रिजिंग की बात कर रखी है, ठीक है, ये आपको पढ़नी है, मैं बार बार कह रहा हूं कि फिर उसके अलावा आपको क्या देखना है, नोट्सों को देखते रहना, मेरे नोट्सों को आपको देखते रहना है कि नोट्स कैसे कैसे करके मैंने दे रखे हैं आपको।
यहां पर हम आ जाते हैं, ये ऑक्साइड्स मेरे पास में कौन कौन से दे रखे हैं, V2O5, VO4, ये अब इनकी नेचर आती है कि कौन बेसिस, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ये रहा +7, +6, +3, जितना ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगी, ठीक है। इससे नेक्स्ट की तरफ मैं चलता हूं, अमित अमित इसको करा दो, वाले अमित ऊपर करा दो, थोड़ा सा ऊपर दो, नीचे ले आओ, जल्दी ले आओ नीचे, बच्चों का टाइम खराब नहीं होना चाहिए यार, बस ऊपर ऊपर थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, कैसे और ऊपर, एनसीईआरटी वहाँ पर से आ रही ना ये, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, ये रहा, बस एक मिनट बेटा, ये पढ़ के जरूर जाइएगा, ये इनका पोटेंशियल, पोटेंशियल जरूर आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे स्लाइड, नेक्स्ट रोक दो, ये रोक दो ऊपर ऊपर, ये वाला, ये रिएक्शन, ये कौन सा है, ये आपका आइडियोमेट्रिक टेस्ट है, ये आपका क्या आइडियोमेट्रिक टेस्ट है, ये आइडियोमेट्रिक टेस्ट हमारे पास में दिया है, ठीक है, ये आइडियोमेट्रिक टेस्ट दिए। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये केमिकल रिएक्शंस मैंने आपकी कराई रखी हैं, आई माइनस है, K2Cr2O7 की प्रॉपर्टी, K1O4 की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट रुको, ये जो ऊपर आइए, अटक रहे थोड़े से, ये देखिए अब रुक जाइए, ये K1O4 की इनकी सबकी प्रॉपर्टी, जैसे MnO2 मैग्नेट बनता है, ये हमारे पास में मैग्नेट पर मैग्नेट, ये याद रखना बस, ये कुछ ये मैग्नेट आया पर मैग्नेट आया, बेस के प्रेजेंस में K2MnO4 बनता है और KMnO4-2 एसिड की प्रेजेंस में वो भी आपका क्या हुआ, K2MnO4 जब एसिड, मतलब इससे आगे अगर एसिड डल जाएगा तो ये MnO2 और MnO4- में बनता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, आप इसकी चिंता मत करिए, इसको मैं कहीं ना कहीं करा दूंगा आपको, KMnO4 K2MnO4 और MnO2 में कन्वर्ट होता है, ये हीट करने पर हुआ करता है। नेक्स्ट पीडीएफ सब मिलेगा बेटा, सबका पीडीएफ है, यहां पर दिख नहीं रहा मुझे पता है, आपको दिखाई नहीं दे पा रहा मुझे, इसीलिए मुझे दिखाई दे रहा, ये रिएक्शंस जितनी में इनको रट्टा मारना है, बिल्कुल रट्टा मारना है, मैंने आपको पढ़ा रखी है ऑलरेडी, ये मैंने आपको पढ़ा रखी है ऑलरेडी, आगे जरा, ये ऑक्सीडाइजर का बिहेवियर है, ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा CO2, ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा आपका S, ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा SO4, ऑक्सीडाइज बना के क्या करेगा NO3-, ऑक्सीडाइज होकर क्या होगा IO3-, ये सब वही चीजें दी हुई आप। नेक्स्ट, ये सब रिएक्शंस मैंने पढ़ा रखे, इनर्ट आपका ट्रांजिशन मेटल F ग्रुप, चलिए नेक्स्ट, इसके अंदर क्या आता है, F के अंदर क्या आता है, लेंथ एंड एक्टिनाइट, इनमें ये वाला ड्रामा आता है, चलिए बस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये भूलनी नहीं है, इसको रट के जाना है, ला सी प्रा नडा मन पाना, जैसे भी याद कर सकते हो, इनकी रेडियस आती है बेटा, इनकी हमेशा रेडियस आती है, इसकी हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर आता है, एसी का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर आता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं किसका क्या आता है,
जीडी का ऑक्सीडेशन नंबर आता है, इन सब की रेडियस का ऑर्डर आया करता है, ठीक है, इस चीज को भूलना नहीं है आप में से किसी बच्चे को। और स्कैंडियम इसका केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, यह पूछा जाता है, यहां पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन प्लस थ्री वाले जितने होते हैं उन सबकी रेडियस पूछी जाती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ गया, जीडी, जीडी तो इनका इतना फेमस है, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जरूर पूछता है वो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर पूछता है इसका, भूलता ही नहीं है इसके बारे में, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, सीई की ऑक्सीडेशन स्टेट, सीई की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर, एलए की प्लस थ्री, इसके बारे में पूछता है कि कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रेफरेंस करते हैं, ठीक है। ये रही किनी चुनी बातें, इसके एलए की कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, आगे की ओर चलिए। रुकिए, इसमें भी बीच वाला मिड वाला जो होता है उसको पूछा करता है, मिड वाले को, जैसे वहां पर उसके मैं बता रहा था ना, सीआर और एमएन के नीचे जो लाइन वाले होते हैं उसी के अकॉर्डिंग पूछा करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट किस कौन सी प्रेफरेंस है, प्लस थ्री या प्लस फोर, किस किस के लिए है, इसको ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट, ये रहे नेपच्यूनियम ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्टिनियम एक्टोनाइट, ये रहे किसकी सबसे ज्यादा है, एनएम की, पीयू की, इस तरह से। नेक्स्ट, और चलिए, इसकी कहानी मैं बता देता हूं। देखो, मैंने भी डीएनएफ, मेरे को भी प्रॉब्लम आती थी, केमिकल रिएक्शन तो मैंने इसके आपको सिखा दिए हैं, छोड़िए इसमें और कुछ नहीं आएगा, आगे की ओर चलिए, फटाफट खत्म कर दीजिए। डीएनएफ में आपका क्या है, डीएनएफ में मैं आपको बताता हूं, डीएनएफ में आपका अभी यही रही, डीएनएफ में आपका क्या है, सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं, केमिकल रिएक्शन, KMnO4 की रिएक्शन, अरे कौन सी चीज नहीं आती आपको, लो अभी मैं बताता हूं, खत्म करते हैं इसे खत्म करते हैं लो। क्या भाई, क्या आप लोगों को मैं अगर आपसे बात करने लगूं तो क्या आप इसे नहीं जानते, आप में से कितने बच्चे Cr2O7 माइनस माइनस ऐसे करके आएगा, Cr4 माइनस माइनस, ऊपर वाली pH और नीचे वाली pH, बताइए ऊपर वाली pH अगर x है, नीचे वाली y है, तो कौन बड़ा है, क्या है बड़ा है, मतलब ये 7 से बड़ी है या छोटी है, तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं, याद है 9, तो pH कितनी होगी 9, इन दोनों को जोड़ते हैं कितना 5, याद करने की, मतलब ऊपर वाला मीडियम कैसा होगा बेसिक और नीचे वाला मीडियम कैसा होगा एसिडिक, बहुत अच्छे से जानते हो आप। कल को अगर वो आपसे कहता है K4Fe CN6, चलो इसकी सारी रिएक्शन बता देता हूं, FeCl3 के साथ क्या होगा, फेरी, याद आया फेरी फेरोसाइनाइड, पढ़ा हुआ सब, फेरी फेरोसाइनाइड प्रशन ब्रू, याद आया, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन होती है CuSO4 के साथ, चॉकलेट कलर, सब पढ़ा हुआ आप लोगों ने, सब जानते हो यार, तो नोट्स आपको इसी के साथ साथ मिल रहे हैं, इसलिए उन नोट्सों को कर लेना, उन नोट्सों को कर लेना, आप बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, ऐसा नहीं है कि आप बुद्धू हो, आप कैसे नहीं जानते, लो अभी देखो कैसे नहीं जानते आप, लो मान लीजिए HgCl2 लिखा है प्लस के आई एक्सेस में, बताओ क्या बनेगा, बोलो भाई बताओ, जल्दी बताओ एक्सेस में क्या बनेगा, जल्दी बताओ, आई नीड द आंसर, डरना नहीं है सुखदेव, इस चैप्टर से क्यों डरना है, मैंने कहा ना मेरे नोट्स पर देखो आएंगे क्या, इस चैप्टर के 3 सवाल आएंगे, पहला क्वेश्चन क्या आएगा रेडियस का, दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर का, तीसरा क्वेश्चन कौन सा आएगा केमिकल रिएक्शंस का, केमिकल रिएक्शन मैंने सबसे ज्यादा इस चैप्टर की आपको कराई, KMnO4 की, K2Cr2O7 की, इस तरह की कलर वाला, ये सब ऑक्सीडेशन नंबर आप बहुत अच्छे से जानते हो, निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, कर सकते हो, रेडियस मैंने आपको बताया एफ वाली Li की ऐसे निकलते हो, यू याद रख लो, बताओ इसको क्या बनता है, बताओ भाई क्या बनता है,
K2HGI4, ये इसके साथ गया क्या बनेगा HGI2 रेड प्लस KCl, फिर KI डाल दिया तो क्या बनेगा K2HGI4। अगर K नहीं होता केवल I माइनस होता तो K हटा दो तो क्या बनेगा HGI4 माइनस माइनस हो गया। KI के साथ I2 और पड़ा हुआ है तो क्या बनेगा KI3, KI3 का मतलब I3 माइनस। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया निस्सल एजेंट, बहुत बढ़िया। तो सब जानते हो यार तुम लोग, काय को सोचते रहते हो कि नहीं जानते। एवरीथिंग यू नो यार, फोड़ मारे हुए हो इस समय पे, आग लगा रखी है तुमने, सब कुछ तो जानते हो, पैसे टेंशन लेते रहते हो। अब आपको क्या दिखाऊं, जो पढ़ाया कितने सवाल कर सकते हो, आ जाओ आप। चलो अब आपको बस 5 मिनट और लूंगा ये रियलाइज कराने के लिए कि जो आपने पढ़ा आप सब कर सकते हो। और सेशन बढ़िया लग रहा है तो लाइक इट यार, लाइक करो यार, लाइक करने की बात बनती। सारा एनसीईआरटी का डर निकाल दिया, सारे नोट्स डाउनलोड कर लेने। चलिए वापस आइए, हमारे कहां पर थे अमित, आपको पता, अमित को पता नहीं, क्वेश्चंस नहीं, नहीं अमित को बुलाओ, अमित को बुलाओ, एक मिनट सब छोड़ दे, इधर है, 2 मिनट रुक जाइए बेटा, 2 मिनट बस। ये जो ये क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को दिखाने थे वो मैंने कहे थे इसमें डालने के लिए, वो कहाँ पर है, कहाँ केमिस्ट्री के नाम से, कहाँ पर, ये प्रसाद कर, देखिए आपको क्या क्या ढूंढना है, आपको क्या क्या नोट्स मिलने चाहिए, ध्यान रखना। सबसे पहले ये सारे ले, देखो ये खोलिए एडुकोर, ये आपका एडुकोर करके बेटा, ये आपको हैंड रिटन नोट्स, ये आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, डाल दिए हमने उन्हें, डाल रहे हैं। पहले तो हैंड रिटन नोट्स ले लीजिएगा, एक आपका प्रसाद है आज का, ये एनसीईआरटी कथा खत्म हो रही है आपकी, ठीक है, वापस आइए। 3 घंटे में इधर उधर के यूट्यूब पर बैठे रहते, इधर उधर के 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन ये करते रहते। एक ये आपका, ये एस ब्लॉक के की पॉइंट्स बढ़िया वाले हाथ से लिखे हुए, ये आपको पीडीएफ नोट्स में ढूंढ लेने हैं नीचे, ये आपके वो चीज मैं आपको बता रहा हूं जो आपको देखनी है, यहां बता दे रहा हूं जिससे कि आपको ये ना मिले तो ढूंढ लेना। ये आपका प्रसाद है, मतलब जो एनसीईआरटी की कथा खत्म हो रही है उसका प्रसाद है ये, ठीक है। और क्या देखना है आपको, ये एक बहुत अच्छी शीट है, ये मैं किसी को नहीं देता हूं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बहुत बढ़िया, डिक्रीजिंग आयनिक साइज, इंक्रीजिंग आयनिक प्रॉपर्टी, एनसीईआरटी कथा का प्रसाद हमारे बच्चों को। जो बच्चे यहां आए थे और वो नहीं आए, भाग गए इधर उधर चले गए, तो उनको तो ये प्रसाद मिल नहीं पाएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपका, ठीक है, अभी आने वाले हैं पीडीएफ, ये सब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन हैं, इन्हें करने जरूर है आपको। चलिए नीचे बहुत तेजी से, और इस प्रसाद का ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब कुछ है, इसके साथ साथ आपको क्या है बेटा, ये रहे इसके आंसर्स, ये रहे इसके आंसर, डिटेल आंसर। लेकिन इसका टाइम कितना रखना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, 90 क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, केवल और केवल टाइम रखना है आपको 20 मिनट, 20 मिनट में आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के सारे क्वेश्चन करने और ये रहे आंसर इसके, ठीक है। वापस ये प्रसाद, तीसरा प्रसाद, चौथा प्रसाद, सुपर पॉइंट्स, ये बहुत बढ़िया वाले, ये वो नोट्स हैं, मैंने बहुत पुराने वाले अपने नोट्स निकाले जिससे पेपर फंसता था, अब क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। ये आपके सुपर पॉइंट्स, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव सीएल, मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सीएल, इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनिगेटिव डोटर, F2O इज नॉट ऑक्साइड, चलो जो डर रहा है वो ऐसे करता चला जाएगा। अमोनिया के सॉल्ट के वजह से अमोनिया देते, अभी बताया था, और चलिए H3PO3 हीट करेगा, H3PO4 PH3 बनाएगा, फॉर्मेट हीट करेगा, ऑक्सीलेट बनाएगा, और चलिए आपको आगे की ओर, दैट्स इट। कौन क्रैक करता, कौन मेल्ट करता, कौन सी गैस क्या करती है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बड़ा मजा आएगा इन्हें पढ़ने में। ब्राउन रिंग, ब्राउन रिंग का फॉर्मूला, क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है, गैस कौन सी एब्जॉर्ब होती है, सब दे दिए, बड़ा 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 करके सब। ये रहा, रुको, ये हीटिंग, ये भी नाइट्रोजन वाले, वॉयलेट कलर गैस खत्म कर दो, ये भी प्रसाद ले लेना, प्रसाद छोड़ना नहीं है, प्रसाद छोड़ना नहीं है, समझे।
ठीक है, सो हटा दो हटा दो हटा दो, वापस आ जाओ, प्रसाद छोड़ना नहीं है। एक प्रसाद जेई का, जेई का प्रसाद। अब ये जेई का प्रसाद कैसे, बोरेक्सिस प्रिपेयर भाई, अभी बताया था कॉलम नाइट को, अभी अभी ये सब हो जाएंगे आपके। चलो ऊपर पढ़ो, जैसे देखो रुको, द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर, आपसे कह रहा है टू टू सी बॉन्ड, टू टू, देख लेना कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, ये जेई का सवाल है। और लगो, B2S6 इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, इस तरह से H3PO3 इज मोनोबेसिक एसिड, लुईस एसिड, लुईस एसिड है मोनोबेसिक। और बढ़ो, ये क्या करता है, OH- को लेता है, क्या डालना चाहिए, सिस वाला डालना चाहिए, आपको बता रखा। और बढ़िए, फटाफट 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 चलते जाइए, लेटेस्ट वाले सवाल दिखाते हैं, हाल फिलहाल के आए हुए सवाल भी आपके हो जाएंगे। चलिए बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, बस बस चलते जाओ, चलते जाओ, जेई मेंस के अभी अभी ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर थोड़े से ऊपर, ये देखो लेटेस्ट वाले भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये जैसे द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन हीटिंग ऑफ LI, LI अकेला ऐसा है जो ऑक्साइड और NO2O2 देता है, जबकि NaKCSRB के नाइट्रेट क्या देते हैं, नाइट्राइड और ऑक्सीजन। सब हो जाने हैं, सब हो जाने हैं, ठीक है। नीचे आइए, नीट का प्रसाद, जेई के 2019 के भी क्वेश्चन करने हैं, जेई के 2019 2020 के सवाल भी करने हैं। जेई का कौन सा वाला नहीं होगा भाई, SN+2 अभी तो बताया था, ये खुद क्या होता है, PB+4 क्या होगा, खुद होगा रिड्यूस, सामने वालों क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। बोरिक एसिड इज, अभी बताया था, इट कंटेन, नहीं साहब ये क्या करता है, OH- लेता है। AFCl3 अभी बताया था, सोलिबिन प्रेजेंस ऑफ KF क्या बनाता है, अभी AlF6 करके बनाएगा, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो भाई दोबारा है वो सवाल है, रुको रोको रोको, +1 ऑक्सीडेशन, ऊपर से नीचे वाले +1 रखना चाहते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट, सिलिकेट्स, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट, सब हो जाना है, अभी अभी बात करी थी, सब NCERT के उठे हुए हैं, सब चीजें NCERT से उठी हुई हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ तो सब कुछ, ये सब आपका मिला हुआ है, ठीक है। तो ये प्रसाद आपको यहां पर एज ए क्या मिल रहा है, PPT मिल रहा है, चीजें अच्छी लगी, लाइक इट, डेफिनेटली लाइक करो भाई चीजों को, और मुझे सजेस्ट करिए, आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद, आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के ऊपर कमेंट करना है, किस बारे में, कि आप ऑर्गेनिक में आगे की ओर क्या चाहते हैं। कल मैं कोशिश करूंगा वन शॉट ऑर्गेनिक आपकी खत्म कर दी जाए, एक ही वार में मैं ऑर्गेनिक को उड़ा दूं आपकी, फिर उसके बाद में तीन भयंकर सेशन लेने हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के, क्वेश्चंस होंगे साथ में सॉल्यूशंस होंगे, क्वेश्चंस होंगे साथ में सॉल्यूशंस होंगे, इस तरह से आपके पास, ठीक है। वीडियो वीडियो सारे नोट्स मिले, सब मिल गया बच्चों को। और कुछ कैसा लगा सेशन, लाइक इट यार, अगर सेशन बढ़िया लगता है तो डेफिनेटली लाइक इट, सब कुछ दे दिया पहले। अच्छा ऑर्गेनिक में प्रसाद चाहते हो, ठीक है ऑर्गेनिक में प्रसाद मिल जाएगा। अच्छा एक चीज है, कल 9 बजे अपने पेरेंट्स को जरूर बुला लेना, 9 बजे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ऐसे कहेंगे, और 9 बजे कल 9 बजे एक सेशन है बहुत बढ़िया, वो वाला आपका, अगर तुम साथ हो, ओनली फॉर पेरेंट्स, 9 बजे पेरेंट्स के सामने ना वैसे ही खोल करके, ऐसे करके ना मोबाइल खोल के रखना, जो पेरेंट्स आजकल है ना बंदूक लेके घूम रहे हैं ना, या बंदूक लेके नहीं घूम रहे, स्ट्रेस में टेंशन में, या फिर तुम उनकी वजह से स्ट्रेस में हो कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मेरे पेरेंट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उन पे क्या इफेक्ट होगा, वो कितने परेशान हैं, वो नाग घूम रहे हैं ना तुम्हारे आसपास, जानते हो दुनिया में एक अकेला ऐसा सांप है, एक अकेला ऐसा सांप, सांप से भी ज़्यादा जहरीला है, सांप से भी ज़्यादा जहरीला है ज़्यादातर लोगों के यहाँ, मैं एक का नहीं कह रहा, हो सकता किसी का अच्छा हो, वो कौन है, वो है आपके अड़ोसी पड़ोसी और रिलेटिव, ये घूम रहे हैं आजकल। और बेटा तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, मतलब इन्हें अब तक फोन नहीं आया होगा, इनका अब तक फोन नहीं आया होगा, ये नहीं पूछ रहे होंगे कोरोना से बचे रहना, तबीयत सही रखना, मैक्सिमम की बात बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, हो सकता है 70% हो ऐसे, 30% अच्छे हो सकते हैं, 30% अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आजकल ये बहुत घूम रहे होंगे,
तुम्हें रोज फोन बुलाऊं, कट कट कट। और बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है, तेरे को तो नीट हो रहा है ना, और तैयारी कैसे चल रही है? मतलब इनसे ना, मतलब जैसे बोलते ना किंग कोबरा काट ले तो आदमी बच सकता है, इनका काटा हुआ तो बचता भी नहीं है। फिर थोड़ी देर में पिताजी को फोन करें, बेटे का ध्यान रखना, कोरोना ना हो जाए, ये ना हो जाए, बोलते हैं सैनिटाइजर ले जाना, ये ले जाना, वो जाना, वो जाना। अगर तुमने ये कह दी ना फोन पे, तुमसे जैसे पूछ रहे पढ़ाई कैसे चल रही है, बस एक चीज कह देना, अरे देखा जाएगा 13 तारीख के बाद क्या होगा, बहुत बढ़िया चल रही है। बोले क्या होगा, अरे यार गवर्नमेंट ने जो टाइम दे दिया ना, इतने दिन का कोरोना ने जो टाइम दे दिया 3-4 महीने का, अब तो मुझे लग रहा रैंक फर्स्ट मेरी आएगी। भाई साहब फोन नहीं आ सकता, या तो जमीन पे मार देंगे या सिर पे मार लेंगे। क्यों? क्योंकि वो उम्मीद ही नहीं कर रहे आपसे कि आप ये कहोगे, वो तो उम्मीद ये कर रहे हैं सर तैयारी नहीं चल रही, मैं डिप्रेशन में हूँ बहुत। पर हम तो ऐसे थे भाई देसी वाले, इसीलिए अपने आप को देसी कहते हैं। जैसे ही हमें कोई फ़ोन करता था, कैसी पढ़ाई चल रही है, बोले बहुत बढ़िया। बोले क्या होगा, बोले यार बस समस्या आ गई बहुत बड़ी। बोले क्या हो गई, इतनी पढ़ाई चल रही है कि रैंक इस समय पर ना 10 तो आ सकती है, 10 फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं। उधर से ना फोन आने बंद हो जाते थे, उधर से आवाज़ आनी बंद हो जाती, बोले ऐसा कैसे हो सकता है। अबे तो पूछना क्या चाह रहा था, हम रोमे हैं, काहे को रोमे, देखा जाएगा रिजल्ट तो 1 महीने बाद आएगा, कहने में क्या जा रहा है। अरे कहने में क्या जा रहा है, बहुत बढ़िया चल रही है, टॉप हम ही करेंगे, फर्स्ट रैंक हम ही लाएंगे, खत्म करो। घबराना नहीं है इन लोगों से, ठीक है। चलो प्रसाद में बहुत बड़ा स्वाद है, चलिए चलिए। बिहाइंड द सीन, तो ये इस तरह से आपकी एनसीईआरटी को खगोला जा रहा था। ये टीम थी, हम लोग एक एक क्वेश्चन को देख रहे थे, पेपर खोल के रख रखे थे, एनसीईआरटी की बुक रख रखी थी, उसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को रख रखा था, बहुत सारी चीज़ों को। इट वॉज बिहाइंड द सीन, ये मेहनत थी और ये कामयाब होगी। मैं कभी नहीं कहेगा कि अरे ये मेहनत बहुत करी, देखते कामयाब होती क्या, देखते नहीं है, कामयाब होगी, ठीक है। चलो साहब प्रसाद ले लीजिए, लगा दिए सारे नोट्स, चले गए लिंक में, इसी वीडियो के नीचे लिंक में नोट्स चले गए हैं, नोट्स ले लीजिएगा आप, और टेलीग्राम पे भी चले गए, नोट्स ले लीजिएगा, क्वेश्चंस कर लीजिएगा, सही से रहिएगा, आंसर में थोड़ा बहुत करेक्शन हो जाए तो भाई देख लीजिएगा, गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर अपने आप ही देख लेना कि ये वाला प्रीवियस आया, ये वाला है, ये वाला, आधे सवाल तो। अब आंसर में गड़बड़ कैसे होगी, 90% तो तुम सही कर दोगे, देखो तो सही जाके करके हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, और नीचे की ओर कमेंट करके बताइए, नीचे की ओर कमेंट करके जाइए ऑर्गेनिक में क्या चाहते हो, कल बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, ऑर्गेनिक, एवरीथिंग सब करेंगे, और लेकर के आओ सबको, और 9 बजे मिलेंगे आपके पेरेंट्स से यहीं पर, ठीक है। ऑल द बेस्ट यार, ऑल द बेस्ट, बढ़िया करते हैं। और सेशन बढ़िया हो तो लाइक इट, डेफिनेटली लाइक इट, और फिर हम चलते हैं और कल आपसे मिलते हैं। चलो भाई टाटा, बाय बाय, बाय बाय टाटा।